तो मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेई वाला। और इसमें हम लोगों ने एक नया बैच या नई सीरीज कह सकते हो स्टार्ट की है जिसका नाम है परसेंटेज ब्यूस्टर। देखो परसेंटेज ब्यूस्टर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग ये करने जा रहे हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनके लिए तो बहुत बहुत बधाइयां, और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको कैसे सेलेक्ट कराया जाए। क्यों? क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके साथ भी हम खड़े हैं, मगर उनके साथ ज्यादा डट के खड़े हैं जो कुछ नंबरों से रुक गए हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनकी प्रिपरेशन कैसे कराई जाए और उनको कैसे सेलेक्ट कराया जाए, इस पर फोकस है। और इस बैच का काम यही है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको कैसे सेलेक्ट कराया जाए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो क्या है इस चैप्टर में, कैसे पढ़ाएंगे, परसेंटेज बूस्टर में कैसे आपके नंबर बढ़ाएंगे, इस सब की पहले मैं डिटेल दे देता हूं और फिर चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, बस 2-3 मिनट लूंगा। देखो जो पेपर आ रहे हैं इस समय, जितने भी पेपर आ रहे हैं यदि आप उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करो तो ये आप जान जाओगे कि पिछले 3 से 4 साल के यदि पीवाईक्यू कर लेते हो, पिछले 3 से 4 साल के यदि आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो इसका मतलब पेपर का 20 से 25% या 20 से 30% कॉन्सेप्ट फंस जाएगा। मतलब वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले आया है उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फिर आ रहा है, क्योंकि आप एक राउंड में 14 पेपर दे रहे हो, मिनिमम 14 पेपर दे रहे हो। तो यार 14 पेपर देने की वजह से कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये ध्यान रखो, यदि कोई बच्चा तन्मयता के साथ 3-4 साल के पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कर लेगा तो कम से कम 30% पेपर तो उसको अपने आप आ जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे जितने भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के हैं। तो हमारा काम क्या है मैं बता देता हूं, मैं इस चैप्टर में पहले आपको दूंगा सीएसडी। सीएसडी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट दूंगा सबसे पहले। वो आपको कहां मिलेंगे वो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। आपको सीएसडी जब आप ऐप पे जाओगे और इस परसेंटेज बूस्टर बैच के अंदर जाओगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन पीडीएफ सीएसडी के नाम से, मूल कॉन्सेप्ट की। उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे मूल कॉन्सेप्ट के, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखे होंगे। ठीक है, तो वहां से आप इसको अपलोड करोगे, लेक्चर देखने से पहले वहां से इसको क्या करोगे, अपलोड करके अपने सामने रख लोगे। ठीक है, हम सब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, मतलब पहले हम जैसे सब टॉपिक उठाएंगे मोल, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मोल, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के कॉन्सेप्ट तुम सबसे पहले सीएसडी फाइल से पढ़ लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मेरे साथ पीवाईक्यू लगाओ, फिर मैं दूसरा सब टॉपिक उठाऊंगा कंसंट्रेशन। तो तुम कंसंट्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट सीएसडी फाइल से पढ़ लो, ठीक है, फिर मेरे साथ आकर क्वेश्चन लगाओ और क्वेश्चन में भी मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, क्वेश्चन कराते समय भी कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। मगर यदि पहले से कॉन्सेप्ट पढ़कर हमारे साथ बैठोगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, इसी तरह से चलता रहेगा। अब मैं क्या क्या कराऊंगा बता देता हूं, मैं पीवाईक्यू कराऊंगा 2022 के पूरे, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ेंगे 2021 के एंड 2020 के, लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू पूरे पूरे कराऊंगा, एक भी पीवाईक्यू हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ अपने क्वेश्चन यदि कराने के हुआ या चैप्टर में क्वेश्चन कम पड़े तो, समझ गए क्या किस तरह से चलेगा रिवीजन या किस तरह से आपको नंबर बढ़ाने। ठीक है, कैसे करोगे, सीएसडी अपलोड है उससे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, हम भी कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे, हम 2022, 2021, 2020 के सारे क्वेश्चन करेंगे और कम से कम आज आप 60 से 70 क्वेश्चन करोगे पूरी क्लास में। ठीक है, बात समझ गए। आज हम लोग किस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे,
चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वन शॉट है, मतलब एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट करा दिए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बात समझ गए कि नहीं, अब इस चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में या सीरीज में जिसका नाम है मंजिल। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से और पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से बधाइयां। मगर जो बच्चे किसी ना किसी वजह से पीछे छूट गए हैं, या तो प्रिपरेशन कम रही या प्रैक्टिस कम रही या फिर वो ये नहीं समझ पाए कि पेपर किस तरह का होता है, हम कुछ भी रीजन रहे हो, बीमार रह गए हो या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम उनको पीछे छूटने नहीं देंगे, इसलिए हम सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में हम लोग जेई को फोड़ेंगे और फिर एडवांस की प्रिपरेशन में लगेंगे, ठीक है। अब कैसे करना है सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में किस तरह से सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन चलेगी। देखो यार बच्चों, जितने भी स्टूडेंट हो सभी ने लगभग चैप्टर को पढ़ तो रखा ही है, इलेवेंथ में आपने पढ़ा, ठीक है, ट्वेल्थ में आपने पढ़ा, फिर प्रिपरेशन में आपने पढ़ा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सभी ने प्रिपरेशन कर रखी है। अब बात क्या है, अपनी कमियों को दूर करने की बात है, और इस तरह से कमियों को दूर करना है जैसे हम सेलेक्ट हो सके। तो जरा देखो कैसे चलेगा लेक्चर, इसके बारे में मैं आपको डिटेल पहले दे देता हूं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेटा, आप ऐप पे जाओगे, जब आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जाओगे तो वहां पर आपको हर चैप्टर का सीएसडी मिलेगा और इसका पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटन सीएसडी है पीडीएफ। आप ऐप पर जाओगे और ऐप पर अपने बैच में जाओगे मंजिल, ठीक है, लेजेंड में, तो आपको वहां पर हर चैप्टर का सीएसडी मिलेगा। मैं अपलोड करा दूंगा, उसमें होगा क्या, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे चैप्टर के, उसमें क्या होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, उस पूरे चैप्टर के सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको सबसे पहले उस पीडीएफ को अपलोड करना है और कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, एक तरह का रिवीजन है, हर चैप्टर 3 से 4 पेज में खत्म हो जाएगा, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिखे होंगे और कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है, हर चैप्टर 3 से 4 पेज में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मत पढ़िएगा, मैं बता देता हूं मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा। जैसे ये देखो, पहले टॉपिक क्या लिखा है, मोल एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ इनके कराऊंगा, तो आप इस सब टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लें और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमारे साथ क्वेश्चन लगाते चले जाए, हमारे साथ क्वेश्चन को करते चले जाए। ये सारे पीवाईक्यू हैं 2022 के, मेरे साथ क्वेश्चन करते चले जाओगे। फिर अगला टॉपिक आएगा कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, उस पीडीएफ में मैंने डाल रखे हैं, उस पीडीएफ में है सीएसडी में, सीएसडी में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं, आप कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, फिर हम लोग कंसंट्रेशन के क्वेश्चन करेंगे दोनों लोग मिलके, इसी तरह से चलता रहेगा कारवां और पूरा चैप्टर इस तरह से हम लोग खत्म करेंगे। पहली बात समझ गए सबके सब। अब दूसरा पॉइंट समझो, स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या है कि यार देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो भी पेपर आ रहा है पेपर में पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप ये मान के चलो कि 2020 से लेके 2022, क्योंकि 23 का पेपर अभी आया नहीं है साइट पे, एनटीए की साइट पे नहीं आया,
तो 2020 से लेके 2022 तक के सारे पीवाईक्यू करो, कम से कम, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कम से कम 20-25% पेपर का कॉन्सेप्ट फंसेगा, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन तो हमेशा ही नहीं आएगा मगर कॉन्सेप्ट फंस जाएंगे। मिनिमम इतना, मैक्सिमम कितना होगा मुझे नहीं पता मगर मिनिमम इतना जरूर होगा ये मुझे पता है। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस खूब करो। और मैं आपको पूरे के पूरे एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ रहा हूं, 2022, 2021 और 2020 उस चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यू आए हैं सब के सब हम कर रहे हैं बोर्ड पर दोनों लोग मिलके, 2022, 2021, 2020 सारे पीवाईक्यू हम लोग कोई और क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को वो बार बार पूछ रहे हैं और आपको ये दिखेगा भी कि बार बार उन्हीं कॉन्सेप्ट को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिस्टम समझ गए, पहले क्या है सीएचडी को अपलोड करो चैप्टर का, उसके सीएचडी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो 5-10 मिनट में, फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हम दोनों लोग मिलकर क्वेश्चन करते चले जाएंगे और टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे आप उतना कॉन्सेप्ट पढ़े फिर क्वेश्चन करें, फिर कॉन्सेप्ट पढ़े फिर क्वेश्चन करें। ठीक है, इस तरह से सारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और सारे क्वेश्चन हम दोनों लोग मिलकर कर भी पाएंगे और तुम्हें यह भी पता रहेगा कि मैं ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहा हूं, मैं ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहा हूं। तो चलो अब शुरुआत करते हैं, अब शुरुआत करते हैं। देखो हमारा काम क्या होगा, मोर कॉन्सेप्ट में 22, 21 और 20 के सारे पीवाईक्यू करेंगे। पहला टॉपिक क्या है हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, तो अभी इस टॉपिक में क्या है, मोल के क्वेश्चन होंगे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चन होंगे, इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चन होंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मगर आप कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ के बैठे होंगे तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। तो चलो जैसे देखो पहला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पर आया, देखो 2022, पहले 2022 के क्वेश्चन करेंगे फिर 2021 के फिर 2020 के। द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6 इज x into 10^21। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू पूछ रहा है, वो कह रहा है कि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम इतने हैं तो x की वैल्यू बताओ। यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के नंबर कैसे निकाले जाते हैं। अब देखो मैं कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा और क्वेश्चन भी करता जाऊंगा। देखो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के नंबर कैसे निकाले जाते हैं, जैसे इस मॉलिक्यूल में क्या है ए एटम है तो ए एटम के कितने नंबर है एक्स, बी एटम के कितने नंबर है वाई। तो ऑलवेज तुम बस इतना ध्यान रखा करो, नंबर ऑफ ए एटम इक्वल टू, गौर सुनना, इसके नीचे का नंबर x इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स और एक्स बी वाई। ये देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, जब भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम के नंबर पूछे जाएं, जब भी मॉलिक्यूल के नंबर एटम के नंबर पूछे जाए, जैसे इस मॉलिक्यूल में ए एटम कितने हैं, इस मॉलिक्यूल में बी एटम कितने हैं, तो ए एटम पूछ रहा है तो नीचे का नंबर एक्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों, एक मॉलिक्यूल में कितने ए हैं एक्स, एक मॉलिक्यूल में कितने ए हैं एक्स है, तो 100 मॉलिक्यूल में कितने ए होंगे 100 इंटू एक्स है। तो आप बस इतनी चीज देखा करो। अब जैसे नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बी एटम पूछूं तो क्या लिखोगे आप बताओ, क्या लिखोगे बच्चों, नीचे क्या लिखा है y इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ b ax by s। अब बस यार यही कॉन्सेप्ट लगा दो, यही कॉन्सेप्ट लगा दो, यही कॉन्सेप्ट लगा दो। आपको जो पीडीएफ दिया है उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, अब आप क्वेश्चन में लगा दो। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आया मोल, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो कैसे लिखोगे
नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू, नाइट्रोजन के नीचे कितना लिखा है थ्री, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिखा है C7H5N3O। अब कैसे करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, मोल इंटू एनए, एनए मतलब एवोगाड्रो नंबर, तो मोल बनाओ, मोल कैसे बनाओगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो मैं हथियार निकालता हूं, ठीक है, आप लोग अपना कॉपी पे करिएगा, मेरी तरह मत करिएगा। अब देखो 12 × 7 ठीक है, प्लस 5 प्लस और 14 × 3 प्लस 16 × 6 प्लस 227 इंटू एन ए, ये मोल बन गया, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट मोल बन गया, इंटू एन ए, एन ए की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 6.02 × 10⁻³। अब हमें इस फॉर्म में लाना है, अब मैंने लिखा देखो 681/227 इन ये आ गया इंटू 6.02 18 आ गया, तो ये आ गया 18 अच्छा इंटू थ्री, आई थिंक इंटू थ्री करना भूल गया हूं, इंटू थ्री तो ये आ गया 54.18 × 10³। ये देखो अब ये क्या लाना है, 21 लाना है, तो 21 लाने के लिए इसको ऐसे कर लो, एक बार कैलकुलेशन देखते जाना, तो ये क्या हो गया x हो गया, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 418। ये देखो क्लियर है, ऐसे करोगे बात समझ में आ गई, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, टू एलिमेंट ए एंड बी विच फॉर्म 0.15 मोल्स ऑफ ए टू बी एंड ए बी थ्री टाइप कंपाउंड इफ बोथ ए टू बी एंड ए थ्री बी वेट इक्वली। वो कह रहा है यार इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट इक्वल है, वो कह रहा है इन दोनों का वेट इक्वल है, वेट इक्वल होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल है, इसका और इसका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल है, ठीक है, देन द एटॉमिक वेट ऑफ ए इज टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ बी, मतलब ए और बी के एटॉमिक वेट में रिलेशन पूछ रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ, ये हो गया, मैंने मान लिया ए एटम का एटॉमिक वेट ए, बी एटम का एटॉमिक वेट बी, ठीक है, और दोनों के बराबर कर दो, एक रिलेशन ही चाहिए भाई, इसका मतलब क्या है, एक रिलेशन चाहिए, ए का एटॉमिक वेट बी के कितने गुना है, इसका मतलब एक ए और बी के बीच में एक रिलेशन चाहिए, वो यहां से अपने आप आ जाएगा, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले आओ, ए इक्वल टू टू बी आ रहा है, तो वो क्या पूछ रहा है, द एटॉमिक वेट ऑफ ए इज टू टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ बी, आंसर कितना आ गया, दो आ गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, देखा जब भी रिलेशन पूछेगा तब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, उसने कहा दोनों का वेट इक्वल है, हमने वेट इक्वल कर दिए, ए और बी के बीच में रिलेशन आ गया, क्योंकि एक इक्वेशन एक वेरिएबल। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये सब 2022 के चल रहा है, जब 2022 खत्म हो जाएगा फिर 2021 खत्म हो जाएगा तो 2020, इसके बाद नया सब टॉपिक यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन बाय मास,
द नंबर ऑफ एफी एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में तीसरी बार लगभग पूछा गया है और जरा जरा सा चेंज हुआ है, जरा जरा सा चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है या दूसरी बार आ रहा है आईआईटी जेई में, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके कोई नई चीज पूछ रहे हैं। जैसे पीछे पूछा गया है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, जैसे अभी इन्होंने क्या पूछ दिया, द नंबर ऑफ एफी एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उस बार उन्होंने पूछा था हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, अब उससे एक कदम आगे बढ़ के ये चीज पूछ दी। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है करना, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। वो पूछ रहा है कि ये बताओ नंबर ऑफ एफी एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो यार आप सबको पता है कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ एफी एटम इक्वल टू एक हीमोग्लोबिन में कितने एटम होते हैं, आप सबको पता है कि एक हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम होते हैं, बता सकता है कोई बच्चा, आयरन के कितने एटम होते हैं, चार एटम होते हैं, एक हीमोग्लोबिन में आयरन के चार एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एफी एटम इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, है कि नहीं बताओ। यदि कहीं से हीमोग्लोबिन के नंबर मिल जाए तो नंबर ऑफ एफी एटम आ जाएंगे। अब हीमोग्लोबिन के कैसे नंबर मिलेंगे जरा बताना, हीमोग्लोबिन का वेट दिया है 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का वेट दिया है तो मोल आ जाएंगे, और मोल में एन ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे आ गए, ये देखो मोल, मोल कैसे बनाया, मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन ए, एन ए की वैल्यू कितनी है ये देखो। अब हमें क्या चाहिए मेरे दोस्त, अब हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट है, और वो कैसे निकलेगा। तो यार एक बात मैंने हमेशा बताई है बच्चों को, देखो मैं इस पेज में करके देता हूं, देखो समझना, इस बात को समझो, जब भी कहीं परसेंटेज देके कुछ भी पूछा जा रहा है, परसेंटेज देके कुछ भी पूछा जाए तो ऑलवेज इस कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालोगे उसका वेट ऊपर, वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अब परसेंटेज जो निकाला जाता है किसी ना किसी में तो निकालोगे, तो जिस चीज का परसेंटेज निकाला उसका वेट ऊपर, नीचे जिसमें उसका परसेंटेज निकाला, जिसमें उसका परसेंटेज निकालोगे उसको नीचे। अब हम किसमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट में, तो यार मॉलिक्यूलर वेट में निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट नीचे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का ये फार्मूला है। तो जब भी कहीं पर परसेंटेज की बात आए, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें परसेंटेज दिया हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें परसेंटेज दिया हो, तो इस कॉन्सेप्ट को फिट करने की कोशिश करो, अपने आप आंसर आएगा। इस कॉन्सेप्ट को फिट करने की कोशिश करो, जिसका परसेंटेज दिया जाए यहां डाल दो, उस जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो उसका वेट ऊपर डाल दो, और जिसमें निकाल रहे हो उसका वेट नीचे इंटू 100। अब इसी चीज को देखो, यहां पे हम लगाकर मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, किसका परसेंटेज दिया है, आयरन का, तो आयरन का परसेंटेज यहां हो गया, वेट ऑफ आयरन यहां हो गया, एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन है, चार, तो चार इंटू 56, चार आयरन है ना, तो चार आयरन का वेट कितना होगा, 4 इंटू 56, और मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है इंटू 100, तो मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल गया हीमोग्लोबिन का, कितना मिला देख लो आप, 4 इंटू 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये, इसको उठा के यहां डाल दो, देखो करते हैं, 4 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 4 इंटू 56 इंटू 100, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा,
अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, हथियार किधर है? देखो फिर से निकाल लेते हैं, डिलीट कर दिया होगा। अब देखो ये कैलकुलेशन करनी है, तो दोस्त फोर से तो फोर कट गया, फोर से फोर कट गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं 3.3 मल्टीप्लाई 0.34, ठीक है, मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई हो गए। अब डिवाइड में आओ, डिवाइडेड बाय, अच्छा मल्टीप्लाई वन डिवाइडेड बाय 56, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 21, तो ये वैल्यू आ गई 0.12065 इंटू 10^21। ये वैल्यू आ रही है। अब इसके आसपास की वैल्यू देख लो, ये निकल रही है 1, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख लेता हूं 1.21 इंटू 10^20। ये देखो ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है, इतना सा उन्होंने पूछ रखा है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। अब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूलर के वेट के आगे निकल गए। अब उन्होंने कहा कि यार हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, ये तो आप जानते ही हो, तो बताओ 3.3 ग्राम में कितना आयरन होगा। एक कदम आगे निकल गए। यदि तुम्हें वो क्वेश्चन तुमने पीवाईक्यू कर रखा होगा, तो जब पीवाईक्यू कर रखा होगा तो ये चीज तो निकाल ही लोगे, और ये चीज निकाल लोगे तो फिर ये निकालना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया, क्योंकि ये काम तो बचपन से करते आए हो, है ना। तो समझ रहे हो ना, पीवाईक्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम लोगों ने जितने भी इंटरव्यू लिए, बच्चों से बातें की, तो उन सबका भी कहना था, हम लोग तो हमेशा कहते ही है, मगर उनका भी कहना था कि सर बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो वही चीज फिर से आ गई, ए प्रोटीन कंटेन 0.3% ऑफ ग्लाइसिन, द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन इज, जैसे देखो अभी हीमोग्लोबिन की बात चल रही थी, अब प्रोटीन के बारे में वही चीज पूछ ली गई। अब मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि परसेंटेज देके कुछ भी पूछा जाए तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करो, इसको इस वाले को। अब देखो इसी चीज को अप्लाई करो, परसेंटेज देके कुछ भी पूछे, किसका परसेंटेज दिया है, किसका परसेंटेज दिया है, ग्लाइसिन का, तो परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन इक्वल टू मास ऑफ ग्लाइसिन, डायरेक्ट रख दूं मास ऑफ ग्लाइसिन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ प्रोटीन इनटू 100, लो हो गया। किसका परसेंटेज दिया है, ग्लाइसिन का, तो परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन इक्वल टू मास ऑफ ग्लाइसिन डिवाइडेड बाय, ग्लाइसिन किसमें है, प्रोटीन में है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन इनटू 100। अब इसको बस हिला डुला लो, मतलब सॉल्व कर लो, तो ये देखो आ गया, तो ये कितना आ गया 25,000 आ गया है। तो उन्होंने क्या पूछा है, ये है, तो यहां कितनी वैल्यू आ गई 25 आ गई, तो ये लिख गया 25×10³ ग्राम पर मोल। ये देखो है, क्वेश्चन खत्म हो गया। और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में ये तीसरी चौथी बार आया है, कभी हीमोग्लोबिन लिखा गया है, कभी प्रोटीन लिखा गया है, कभी कुछ और लिखा गया है। परसेंटेज देके कुछ भी पूछे तो बस इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करना कि कैसे अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए करते हैं। 116 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है, यील्ड्स हाइड्रोजन कितना मिल रहा है उसको, हाइड्रोजन है 7.5 ग्राम, ऑक्सीजन है 60 ग्राम एंड कार्बन है 48.5 ग्राम, ठीक है। 116 ग्राम में हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, कार्बन इतना है, इनके एटॉमिक वेट भी दिए हैं।
अब वो हमसे क्या कह रहा है, द डाटा एग्री विद हाउ मैनी फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, वो कह रहा है ये डाटा किस फार्मूले को जस्टिफाई करता है। तो यार इंपीरिकल फार्मूला निकाल लो। इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है बताओ, मैंने तो पढ़ाया है। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, मोल का रेशियो होता है, एटम के मोल का रेशियो है ना। इंपीरिकल फार्मूला की डिफिनीशन क्या है, देखो इंपीरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट, इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन आए इसका मतलब तुम ध्यान रखना तुम्हें मोल का रेशियो ही निकालना है, उनके मोल बना लो और उनका रेशियो निकाल दो, उनके मोल बना लो और उनका रेशियो निकाल दो। अब देखो मोल बनाते हैं और उनका रेशियो निकाल देते हैं, क्यों? इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला जो होता है वो ये होता है, क्या? सिंपलेस्ट सिंपल सिंपल मिनिमम मोलर रेशियो ऑफ एटम, बस ये है। मोल का रेशियो बनाना है और वो सिंपल होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए, तो वही कर दो। मोल बनाओ वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो इसका मोल कितना आ गया, ये इसके मोल कितने आ गए, हथियार किधर है, इधर है, यूज करो 60 डिवाइडेड बाय 16 3.75। इसके मोल कितने हैं, 58.5 डिवाइडेड बाय 12 4.041। अब देखो यार बच्चों, अब ये मोल का रेशियो तो है मगर ये होल नंबर में नहीं है, सिंपल चाहिए। तो होल नंबर बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो मिनिमम है उससे डिवाइड कर दो। मिनिमम कौन है ये, उससे क्या होगा, कम से कम एक तो होल नंबर में हो जाएगा, अब ये तो दो आ गया, ये एक आ गया, अब इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है, तो ये भी लगभग वन आ रहा है, 1.07। ये देखो ये आ रहा है इस तरह से। तो यदि हम देखें तो हाइड्रोजन दो आ रहा है, ऑक्सीजन एक आ रहा है और कार्बन एक आ रहा है, मतलब इंपीरिकल फार्मूला कुछ ऐसे बनना है, ऐसे। अब इंपीरिकल फार्मूला का मल्टीपल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला इनटू एन, एन क्या है, एक होल नंबर है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मल्टीपल होगा, या तो ये होगा या इसका मल्टीपल होगा। अब इसका मल्टीपल कौन लिखा है, एक ये लिखा है, वन का मल्टीप्लाई करो ये आएगा, अब टू का मल्टीप्लाई करो, तो टू का मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन दो हाइड्रोजन चार ऑक्सीजन दो होने चाहिए, नहीं हो रहा है भाई, इसका मल्टीप्लायर होगा ना, वो भी कैसा, होल नंबर का। तो यदि हम दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्बन तो दो है हाइड्रोजन चार है मगर ऑक्सीजन दो होनी चाहिए, एक है इसलिए गलत है, कार्बन दो हाइड्रोजन चार ऑक्सीजन दो। यदि इंपीरिकल फार्मूला पूछ रहा है तो आंसर ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, क्योंकि दो का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये पॉसिबल है नहीं, कार्बन दो तो हाइड्रोजन चार होनी चाहिए, ये देखो। तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, द डाटा एग्री विद हाउ मैनी फार्मूलेज ऑफ द फॉलोइंग, इनको पूछना चाहिए था कि ये इंपीरिकल फार्मूला की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में हल्का सा एरर है। यदि ये मोर देन वन नहीं है तो फिर आंसर सिर्फ ये है, मगर यार मोर देन वन भी आंसर आ सकता है, वैसे तो मेंस का पेपर है, तो मेंस का पेपर है तो सिंगल करेक्ट पेपर होगा, तो सिंगल करेक्ट के हिसाब से आंसर ये है, मगर ध्यान रखना आंसर ये भी पॉसिबल है और सही भी है, क्यों, क्योंकि तुमने कब लिखा है कि इंपीरिकल फार्मूला पूछना है ना, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, तो आंसर वन भी जस्टिफाई कर रहा है मगर आप टू टिक करो, क्यों, कुछ भावनाओं को भी समझते हैं, है ना, कभी कभी होता है ना नजरों नजरों में इशारे हो गए,
तो वो नजरों का ही सारा है, हम उनके ही सारे समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि इंपीरिकल फार्मूला बताओ, इसलिए हम लोग दो टिक कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज एरर है, चलो मगर कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को करो, हाँ भाई ये क्वेश्चन करो। 100 ग्राम ऑफ आइडियल गैस इज कैप्ट इन ए सिलेंडर ऑफ 460 लीटर वॉल्यूम एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 1.5 बार प्रेशर। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, आइडियल गैस है, सब कुछ दिया है, PV इक्वल टू NRT लगाना है यार, PV इक्वल टू NRT, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल को खोल दिया, ठीक है। अब आप इसको कर लीजिएगा, सारी वैल्यू दी है आपको, प्रेशर दिया है 1.5 बार, वॉल्यूम दिया है, वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, आर की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है 300 केल्विन। अब बस सॉल्व कर लेना, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, है ना, सिंपल था, छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा है। अब देखो यार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल, द रेशियो ऑफ 35 to 37। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत बार कर चुके हो और पेपर में ये आया है, और ये कब आया है, सितंबर 2020 में, ये 2020 सितंबर में आया है जेईई मेंस। ये देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पता है एवरेज एटॉमिक वेट का डायरेक्ट फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक वेट क्या फार्मूला होता है, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई x1 x2। m1 m2 क्या है, एटॉमिक वेट है, x1 x2 क्या है, परसेंटेज है कि वो नेचर में किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो जरा देखो यार, ये हमारा 35 है, यदि ये x परसेंटेज है तो जरा बताना 37 कितना होगा, 100 माइनस एक्स परसेंटेज है कि नहीं। अब वो यही पूछ रहा है, x1 अपॉन x2 का रेशियो ही पूछ रहा है, मतलब इनका परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज का रेशियो, द रेशियो ऑफ 35 to 37 इन नेचुरल अकरिंग क्लोरीन क्लोज टू। बस x1 x2 की वैल्यू निकाल के डाल दो, और चाहो तो x1 x2 का रेशियो निकाल लो डायरेक्ट, है ना। ये क्या है, x1 है और ये क्या है, x2 है, तो x1 x2 की वैल्यू निकाल लो, तो ये वैल्यू डाल दो यार, ये हुआ 35.5, ये हुआ 35 x1, 37 x2, x1 प्लस x2 इधर आ जाओ, 35.5 x1, 35.5 x2, 35 x1, 37 x2। अब कैसे करोगे, इसको इधर ले आओ, तो ये 0.5 x1, इसको उधर ले जाओ, तो 37 से ये चला गया 1.5 x2, तो x1 अपॉन x2 इक्वल टू 35 कौन है, 35 वाला, तो 35 वाले का परसेंटेज कितना है या वैल्यू कितनी है, 3, और 37 वाले की वैल्यू कितनी है, 1। बस आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेते हो, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम इजी। नेक्स्ट, ये भी 2020 का है क्वेश्चन। अब 2020 में क्या क्वेश्चन है, द मास परसेंटेज ऑफ, देखो मास परसेंटेज पूछ रहा है, मैंने आपको बोला था परसेंटेज की बात आएगी तो वही फार्मूला लगाएंगे, किसका परसेंटेज पूछ रहा है, नाइट्रोजन का, तो मास ऑफ नाइट्रोजन ऊपर हो गया। अब किसमें पूछ रहा है, इसमें, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हिस्टामाइन नीचे हो गया इनटू 100,
बस बात खत्म हो गई। मास ऑफ नाइट्रोजन, अब यार ये फार्मूला तो पता हो, इसका टफ पार्ट क्या है इसका फार्मूला, मगर ये क्या है, अमीनो एसिड है, C5H9N3, ये इसका फार्मूला। अब आप निकाल लो नाइट्रोजन कितने हैं, 3। मॉलिक्यूलर मास कितना है, जोड़ लो यार, है ना, 12 × 5 = 60, 9 और 14 × 3 = 42। अब इसको जोड़ लो यार, तो ये 40, 100 और 100, 111। एक बार देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो मेरे से, 111 ही आएगा ना, 60 और 40, 100 और 9, 2, 11, है ना। अब इसको कर लो, हथियार निकाल लेते हैं, तो देखो 3 × 14, ठीक है, 42 डिवाइडेड बाई 111, 37.83 आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन होगा तो 38 कर दीजिएगा, ये आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो टॉपिक कौन सा है, अब आ गए हैं टॉपिक कंसंट्रेशन, तो अब हम लोग कंसंट्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। आप इसको पॉज करो, सीएचडी का जो पीडीएफ है उसमें कंसंट्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, समझ समझ के, क्या आप पॉज करो, कंसंट्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट सीएचडी के पीडीएफ से पढ़ लो पहले, अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ लो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन चालू करते हैं। बताता जाऊंगा, जो जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, मगर और अच्छा होगा कि आप पहले से पढ़ के रखें। तो सीएसडी का पीडीएफ है उसको पढ़ लो, मेरे हिसाब से 1 या 1.5 पेज में सब कुछ लिखा होगा कंसंट्रेशन के बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है, 250 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन 10.8% ऑफ कार्बन बाई मास, ठीक है, द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू, भाई तुम मोलालिटी पूछ रहे हो, किसकी पूछ रहे हो, जरा देखो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलालिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 10³। जब ये ग्राम में होता है तो 10³ आएगा, किलोग्राम में होगा तो 10³ नहीं आएगा। अब इतनी चीज चाहिए हमें, तो चलो एक एक करके निकालते हैं। जरा बताना दिया क्या है, 250 ग्राम क्या है, सोल्यूशन का मास है, 250 ग्राम सोल्यूशन में कार्बन इतना है, और सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज C12H12O6, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मास मिल जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, और मास ऑफ सॉल्यूट आ गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें निकालना मास ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट आ गया तो क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा, तो सॉल्वेंट यहां रख दिया, सॉल्यूट यहां रख दिया, क्वेश्चन खत्म। अब मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकले, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी परसेंटेज दिया जाए तो उस फॉर्मूले को होल्ड कराओ, किसका परसेंटेज दिया है, कार्बन का, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय किसमें, ग्लूकोज में, नहीं सॉरी सॉल्यूशन में, इनटू 100। बात समझ पाए कैसे किया, 250 ग्राम सॉल्यूशन में कार्बन का परसेंटेज है, तो मैंने क्या कहा, जिसका परसेंटेज लिखोगे उसका मास ऊपर, नीचे जिसमें वो परसेंटेज दिया है, परसेंटेज किसमें दिया है, कार्बन में दिया है, ए सॉल्यूशन में दिया है, कि 250 ग्राम सॉल्यूशन में कार्बन इतना है, तो कार्बन का मास कितना आ गया, अब यार इसको कट कर लो, है ना,
तो कैसे करें, जीरो से जीरो कर लो, दो और पांच, तो ये आ गया 8 × 5 = 40, 4 × 54 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 27 ग्राम आ गया। तो यार मास ऑफ कार्बन जो है 27 ग्राम है, किसमें, 250 ग्राम में 27 ग्राम कार्बन है। और कार्बन आया किससे है, कार्बन सारा का सारा ग्लूकोज से आया है। तो यदि यदि कार्बन का मास मिल गया है तो क्या ग्लूकोज का मास मिल सकता है, कि ग्लूकोज कितना है, यदि कार्बन का मास मिल गया है तो क्या ग्लूकोज का मास मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कैसे, ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 72 ग्राम। जब 72 ग्राम कार्बन होता है तो ग्लूकोज का मास होता है 180 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जब 72 ग्राम कार्बन होता है तो ग्लूकोज का मास होता है 180 ग्राम और यदि कार्बन 27 ग्राम है तो ग्लूकोज का मास कितना होगा, ये हो। तो इसका मतलब मास ऑफ ग्लूकोज आ गया, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब इसको कट पिस्ट कट्टम काट खेल लो यार, हथियार किधर है, ये है। तो देखो 27 × 180 है ना डिवाइडेड बाय 72, ओए सब मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी बच्चों, 180 × 27 डिवाइडेड बाय 72, 67.2, इतने ग्राम ग्लूकोज का मास आ गया। ये बात समझ पाए, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, अब क्वेश्चन खत्म है अपना। बात समझे कैसे किया भाई, मास ऑफ कार्बन आ गया। तो जब 72 ग्राम कार्बन होता है तो 180 ग्राम ग्लूकोज होता है, 180 ग्राम ग्लूकोज में कितना है, 72 ग्राम कार्बन है, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन का मास कितना होगा, बर्छन 72 है ना। तो 72 ग्राम कार्बन यदि है तो 180 ग्राम ग्लूकोज होता है, तो 27 ग्राम कार्बन होगा तो कितना ग्लूकोज होगा, इतना। तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट को तुमने क्या किया, मोल ऑफ सॉल्यूट बना लिया ऐसे, ये देखो ये बन गया मोल। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो भाई मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, आपको सॉल्यूशन का मास दिया है उसमें सॉल्यूट माइनस कर दो, कितना दिया है, ये आ गया। अब इसको हथियार किधर है, 250 − 67.2 182.8 × 100,000। अब इस सबको सॉल्व कर लो, तो देखो करते हैं, ठीक है, 67.2 डिवाइडेड बाई 180, ये आ गया, इंटू 1000, ये आ गया, डिवाइडेड बाई 182.8 2.04 के आसपास कोई आंसर है, ये आंसर है, आंसर हो गया। बात समझ पाए कैसे किया, वो कह रहा था 250 ग्राम सॉल्यूशन में 10.8 ग्राम कार्बन है बाय वेट, तो मोलालिटी बताओ। तो मैंने कहा यार मोलालिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10³। अब मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाए तो खेल खत्म, क्यों, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया तो मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का मास 250 दिया ही है। तो मैंने कहा चलो कार्बन का मास निकाल लो उस फंडे से। अब जब 72 ग्राम कार्बन होता है तो ग्लूकोज 180 ग्राम होता है, तो 27 ग्राम कार्बन होगा तो ग्लूकोज कितने ग्राम होगा, बस सब कुछ हो गया। फिर नेक्स्ट, अब देखो यार
ये क्वेश्चन देखो 2022 के ही सारे क्वेश्चन है। 1 लीटर इक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन्स 0.02 मिलीमोल H2SO4। 1 लीटर में 0.02 मिलीमोल H2SO4 है। 50% ऑफ दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद डाई आयोनाइज्ड वाटर टू गिव 1 लीटर सोल्यूशन ए। तो पहले क्या है, 1 लीटर का सोल्यूशन है, गौर समझते जाइएगा, और इसमें कितने मिलीमोल है, इतने मिलीमोल है H2SO4, और सोल्यूशन को आधा ले लिया है, 50% ऑफ दिस सोल्यूशन, तो इसका मतलब तुमने 500 ml ले लिया है ना, या 0.5 लीटर ले लिया। 0.5 लीटर लोगे तो मोल भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। कंसंट्रेशन सेम रहता है मगर मोल तो आधे हो जाएंगे, है कि नहीं। वैल्यूम आधा करोगे तो मोल भी आधे हो जाएंगे, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। देखो आप यहां कंसंट्रेशन निकालो, यहां कंसंट्रेशन निकालो, सेम आएगा। अच्छा फिर तुमने इसमें पानी मिलाया, पानी मिलाया, पानी मिला के इसको फिर से आपने 1 लीटर कर लिया यार, 1 लीटर हो गया। पानी मिलाने से क्या सलूट के मोल चेंज होंगे, नहीं होंगे भाई। पानी मिलाने से H2SO4 के मोल थोड़ी बढ़ जाएंगे, वो तो उतने ही रहेंगे, क्यों दोस्त। पानी मिलाने से H2SO4 के मोल थोड़ी बढ़ेंगे। अच्छा इन सोल्यूशन ऑफ ए 0.01 मिलीमोल ऑफ H2SO4 आर एड। इस सोल्यूशन में आपने एक चीज और ऐड कर दी है, 0.01 मिलीमोल H2SO4 और ऐड कर दिया। तो जब इसमें ये चीज और ऐड कर दी तो ये कितना हो गया, 1 लीटर का सोल्यूशन हो गया और 0.02 मोल H2SO4 हो गया, मिलीमोल ये आ गया। टोटल मिलीमोल ऑफ H2SO4 इन द फाइनल सोल्यूशन इज, फाइनल सोल्यूशन में टोटल कितने मिलीमोल हैं H2SO4 के, ये बताओ। तो यार इसको कर लो, कितने मिलीमोल हैं H2SO4 के निकाल लो। तो इसको कर लो, कितना आ जाएगा, 20 × 10³ मिलीमोल ऑफ H2SO4। तो वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक बार कैलकुलेशन देख लो, कोई गलती हो तो बताओ। 1 लीटर था और कितने मोल थे, 0.02 मिलीमोल ऑफ H2SO4। इसका 50% लिया तो जब वैल्यू आधा हुआ तो मोल भी आधे हो गए, इतने मोल हो गए। फिर वो कह रहा है इसको डाइल्यूट कर दिया है, डाइल्यूटेड पानी, पानी मिलाने से H2SO4 के मोल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। फिर वो कह रहा है इन दिस सोल्यूशन ए 0.01 मिलीमोल H2SO4 एडेड, इतना और H2SO4 ऐड कर दिया गया तो ये फिर ये 0.2 हो गया। अब वो कह रहा है कि बताओ इसमें H2SO4 के कितनी मिलीमोल है। उसका कहना है कि फाइनल सोल्यूशन में इतने हैं 10³ पर, यहां पे कितना आएगा, 20 आएगा। क्लियर, आंसर हो गया, बस हो गया यार, ये तो पता नहीं क्या था, है ना। 2022 इस क्वेश्चन को करो। व्हेन 200 ml ऑफ 0.2 m एस्टिक एसिड इज सेक विद 0.6 ग्राम ऑफ वुड चारकोल, द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड आफ्टर एडसॉर्प्शन इज 0.1, द मास ऑफ एस्टिक एसिड एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ कार्बन इज। देखो जेई की एक खास बात है, वो क्वेश्चन नॉर्मली देता है मगर लैंग्वेज नहीं बनाता है, लैंग्वेज नहीं बनाता। जैसे पीछे क्वेश्चन में देखो खेलता रहा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। वो कह रहा है कि हमारे पास 200 ml 0.2 मोलर एस्टिक एसिड है। जरा बच्चों समझिएगा, एस्टिक एसिड, अब चारकोल ने एब्जॉर्ब किया कुछ, तो पहले कितने मोल थे, एब्जॉर्ब किसको कर रहा है, एस्टिक एसिड को, तो पहले एस्टिक एसिड के कितने मोल थे,
एम इंटू वी कर लो, तो 40 मिलीमोल थे, एम इंटू वी कर दिया है, एसिटिक एसिड के थे, देख लो। अरे अब 40 में से कुछ चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, ये चारकोल है। अब चारकोल ने कितने एब्जॉर्ब किए हम में से, तुमको नहीं पता, कुछ चारकोल ने एब्जॉर्ब किए, उसके बाद कितना आ रहा है दोस्तों, एम एल ऑफ 0.1 एम सॉल्यूशन। ये देखो कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, ये इतना कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद, तो पहले इतने मिलीमोल थे, एब्जॉर्ब होने के बाद कितने हुए 20 मिलीमोल एस्टिक एसिड। तो बताओ एब्जॉर्ब कितने हो गए, 40 मिलीमोल थे, अब 20 मिलीमोल एस्टिक एसिड बचा है, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ, तो सबको पता है कितना एब्जॉर्ब हो गया, 20 मिलीमोल एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन। अब वो पूछ क्या रहा है, अलार्म है, पूछ रहा है द मास ऑफ एस्टिक एसिड एब्जॉर्बेड पर ग्राम ऑफ कार्बन इज, एक ग्राम कार्बन कितना मास एब्जॉर्ब करेगा, अभी चारकोल कितना है 0.6 ग्राम, तो 0.6 ग्राम चारकोल मतलब कार्बन एब्जॉर्ब करता है, मिलीमोल को मैं उसमें बना ले रहा हूं, मोल मिलीमोल हो गया मोल, अब मोल को मास बनाओ, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, इतना ग्राम, तो 0.6 ग्राम इतना एब्जॉर्ब करता है, तो एक ग्राम कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो दो जीरो हटा दे है ना, 1.2 आएगा डिवाइडेड बाई 0.6, तो पॉइंट पॉइंट हटा दिया, दो ग्राम एब्जॉर्ब करेगा। एक बार कैलकुलेशन देख लो यार, मिस्टेक तो नहीं है, देखो एक जीरो दो जीरो, तो यहां पे 10^-1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 × 12, तो 1.2 हो जाएगा, और ये आ गया, पॉइंट पॉइंट हट गया, 2 ग्राम आ गया, 2 आंसर आ गया। तो कितना एब्जॉर्ब करेगा पर ग्राम ऑफ कार्बन, 2 ग्राम एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर। अब ये सब तो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, इसमें मतलब ज्यादा कुछ केमिस्ट्री यूज ही नहीं हो रही है ना, बस मोल बनाने में केमिस्ट्री यूज हो रही है। अब इसको देखो यार, अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं क्या बताऊं यार, ये जेई में कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है, कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है जेई में, जेई में 3 से 4 बार आ चुका है, एक बार H2SO4 के फॉर्म में आया है, एक बार HNO3 के फॉर्म में आया है, और आज HCl के फॉर्म में, मतलब सोल्यूशन अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, और बहुत बार आ चुका है, 3 से 4 बार आ चुका है ये पेपर में, और फिर रिपीट कर दिया गया है, कॉन्सेप्चुअली रिपीटेड है, डिक्टो सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन क्या है, ए कमर्शियली सोल्ड कंसंट्रेटेड HCl इज 35% HCl बाय मास, वेट बाय वेट दिया है, इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन कमर्शियली एसिड इज 1.46 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, देखो मोलरिटी निकाल, कैसे निकालोगे भाई, मोलरिटी का हमारा फार्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब ये लीटर में होना चाहिए, ये है, अब गौर से इस बात को जरा समझिएगा, ये क्या दिया है, ये 35% वेट बाई वेट है, इसको मैंने पढ़ना सिखाया है, जो बच्चे पढ़े हैं हमसे, देखो पहला जो होता है सलूट होता है, पहले का पहले से कंपेयर किया करो, दूसरे का दूसरे से कंपेयर किया करो,
पहले का पहले से कंपेयर, दूसरे का दूसरे से कंपेयर। तो इसका मतलब क्या है, पहला सलूट दूसरा सॉल्यूशन, तो इसका मतलब 35 ग्राम सलूट है और सॉल्यूशन कितना है, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है। पहले का पहले से कंपेयर, दूसरे का दूसरे से कंपेयर, पहला सलूट होगा दूसरा सॉल्यूशन हो गया, तो 35 ग्राम सलूट है और परसेंटेज का मतलब 100, 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन है, और W बाई W का मतलब वेट बाई वेट, तो ग्राम बाई ग्राम आ गया। तो यार एक चीज तो निकली आई, मास ऑफ सलूट 2 मिनट में मिल गया, मास ऑफ सलूट दिया है तो मोल ऑफ सलूट तो मिल ही जाएगा, लिख दिया। ये देखो मोल ऑफ सलूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो भैया मास ऑफ सॉल्यूशन दी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, तो फिर क्या है d इक्वल टू m अपॉन v, तो v इक्वल टू m अपॉन d। मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.46 ग्राम पर लीटर, ग्राम से ग्राम कट गया तो इतने लीटर वॉल्यूम आ गया, सॉरी ml, यूनिट ml है, वहां देखो यूनिट ml है, तो इतने ml आ गया, पर यहां लीटर में चाहिए तो इसको लीटर बनाओ, एक मिनट, क्यों ml आया ना, अब यार सॉल्व कर दो, तो देखो 35 इंटू 1.46 इंटू 1000, ये भी ऊपर गया ये ऊपर, नीचे 100 इंटू 36.5, एक दो। अब भाई सॉल्व कर लेना है ना, आपको आंसर निकाल दूं, हाँ 35 इंटू 1.46 10 डिवाइडेड बाय 36.5, 14 आ रहा है, कहीं है आंसर, ये देखो आंसर आ गया। और इस तरह का क्वेश्चन एक दो बार नहीं आया है, बहुत बार आया है, इसी पेपर में 2 बार आया है, देखना ये 2022 का है, अभी देखना 2022 में ही शायद आया है या किसी और में आया है, मैं देख के बताता हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक बार और पढ़ा है, ये देखो 2020 में आया है, मैं कह रहा था ना एक बार और आ चुका है 2020 में, पढ़ो द मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सैंपल विच हैव डेंसिटी इतनी एंड मास परसेंटेज इतना, मोलरिटी पूछ रहा है, मास परसेंटेज दिया है, डेंसिटी दिए 2020 में, और यही क्वेश्चन अभी आपने यहां किया है, डिट्टो सेम क्वेश्चन किया है, H2SO4 के फॉर्म में भी आया है, वो शायद 2008 या 6 में आया है, तो करते रहिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, इसको करो, पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन 800 ml ऑफ 0.5 m नाइट्रिक एसिड इज हीटेड इन ए बीकर इट्स वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ एंड 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इवोपोरेटेड द मोलरिटी ऑफ द रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन इज x इंटू 10^-2। ठीक है तो वैल्यू आप x पूछ रहा होगा है ना, क्वेश्चन में आगे की चीज दी नहीं है, वो x की वैल्यू तो पूछ रहा होगा, वैल्यू ऑफ x, तो देखो क्या करना है, हमें वो नाइट्रिक एसिड की मोलरिटी दी है तो वही निकालनी है क्योंकि उसी की वैल्यू x के फॉर्म में दी है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्यों मोलरिटी किसकी है नाइट्रिक एसिड की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, भाई यही तो फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी है x इंटू 10^-2।
अब नाइट्रिक एसिड के मोल देखते हैं। पहले नाइट्रिक एसिड कितना था, एन इंटू वी करोगे तो मोल आ जाएंगे, ध्यान है। तो पहले नाइट्रिक एसिड कितना था, 8.40, मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो इधर करता हूं। तो पहले नाइट्रिक एसिड इतना था, वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में, तो ये आया 400 इंटू 10^-3, इसका मतलब आ गया 0.4 मोल। पहले नाइट्रिक एसिड 0.4 मोल था, इट्स वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ। अब वॉल्यूम को तुमने आधे कर दिया, 400 ml हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 400 ml, लीटर में बना लिया। एंड 11.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड इवोपोरेटेड, 11.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड उड़ गया। तो पहले 0.4 था, इसको मास बना लो, नाइट्रिक एसिड होता है 63, तो 63 इंटू 0.4 14.4 ग्राम। अब 14.4 ग्राम था, उसमें से उड़ कितना गया, 11.5 ग्राम, तो बचा कितना, तो यार रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड 14.4 ग्राम में 11.5 ग्राम उड़ गया, तो दोस्त कितना बचा, आई थिंक 2.9 है ना। देखो हाँ, इधर 14 कर दो तो 9 आ गया, 13 से ये गया, ये 2.9 ग्राम बचा। अब बस इसको बना लो, तो मोल जो बचेगा उसी के तो मोल बनाओगे, मोल आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 ml इन लीटर, लीटर में चाहिए, देखो ये चीज आई, दो जीरो दे जीरो हटा दिए, एक जीरो बचा वो ऊपर ले गया। अब इसको सॉल्व करो, तो मैं सॉल्व कर देता हूं, 2.9 ठीक है इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 63, तो ये आ रहा है 0.1150 इंटू 10^ कुछ नहीं। अब इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर लूं तो 11.5 इंटू 10^-2, तो x की वैल्यू अप्रोक्स 11 आ रही है, x की वैल्यू अप्रोक्स 11 या अप्रोक्स 12 आ रही है, चेक कर लो, है ना, कैलकुलेशन देख लेना अपना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। फिर से मैं देख लेता हूं एक बार, मैं कैलकुलेशन कर लूं, 800 इंटू 0.5 400 ठीक है, 400 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 63, हाँ यार ये तो 63 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 25.5, ये मेरा 14.4 कैसे आ गया, है ना। देखो गलती हो गई बच्चों, ये 25.5 है, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, ठीक। अब ये 25.5 से माइनस करो 11.5, ये 13.7 आया। तो बच्चों 25.5 से हम लोगों ने माइनस किया तो ये आया 13.7, ठीक है। अब यहां अब ये सब हटाना पड़ेगा, तो देखो ये 13.7 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाई 400, क्यों, वॉल्यूम आधा कर दिया गया है ना, इनटू लीटर, तो ये 13 × 26, इसको डिवाइड कर दो 63 से, ये आ गया, डिवाइड कर दो 4 से, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 10 से,
दस ऊपर जाएगा ना, ये आ गया, तो ये वैल्यू आ रही है 0.543। तो इसको हम लिख सकते हैं 54 × 10⁻²। तो x की वैल्यू आ रही है 54। ये देखो कुछ ऐसे आ रही है वैल्यू, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट यही है ठीक है। तो कितना आ रहा है, 54 के आसपास आ रहा है। ये तो यार ये देखो ऐसे करना था क्वेश्चन, वो कह रहा था कि भाई नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड आधा उड़ गया, वॉल्यूम आधा हो गया है, है ना, वॉल्यूम आधा हो गया है और 11.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड उड़ गया है, तो बताओ जो रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड है उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो इतने ग्राम नाइट्रिक एसिड था उसमें से इतना उड़ गया तो बचा इतना, अब बस मोल फार्मूला लगा दिया ठीक है। देख लीजिए अब ये देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये सब कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है। 2 लीटर ऑफ 0.2 m H2SO4 इज रिएक्ट विद 2 लीटर ऑफ 0.1 NaOH सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन इज, सोडियम सल्फेट की मोलरिटी पूछ रहा है, द मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन इज इतने मिलीमोलर, मिलीमोलर मिलीमोलर में पूछ रहा है। चलो निकाल लेते देखते कैसे निकलेगा। देख भाई जिसकी मोलरिटी पूछ रहा है उसके मोल हमें ऊपर चाहिए, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यही तो चाहिए, वो भी किसमें, लीटर में, क्यों भाई यही तो चीज चाहिए। अब देखो रिएक्शन कराओ, एसिड बेस रिएक्शन है, जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब जरा आप अच्छे से समझो, m इंटू वी करो तो m इंटू वी करोगे तो इसके कितने आएंगे, 0.4 मोल, क्यों v लीटर में, इसके कितने आएंगे 0.2, इसके कितने आएंगे 0.0। अब रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, अब जब इसका 0.4 खर्च होगा, जब इसका 0.2 खर्च होगा, एक मिनट देखो ये दो मोल खर्च होंगे तो इसके एक मोल खर्च होंगे, तो जब इसका जीरो खर्च हुआ मतलब 0.2 खर्च हो गए तो इसके कितने खर्च हुए 0.1, तो बचे कितने 0.3। ठीक भाई 2:1 की रिएक्शन है, तो जब इसके दो खर्च होते तो इसका एक खर्च होता है, तो इसका 0.2 खर्च हुआ तो इसका 0.1 खर्च होगा। अब जितना इसका खर्च होगा उसका आधा यहां बनेगा, 2:1 से है, 0.2 खर्च हो रहा है तो ये कितना बनेगा 0.1 मोल। क्लियर। अब वो पूछ रहा है द मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन, तो भाई इसकी मोल तो ये आ गए, अब वॉल्यूम कितना हुआ, 2 लीटर ये डाला, 2 लीटर ये डाला सॉल्यूशन में वॉल्यूम, तो 2 × 2 = 4 लीटर हो गए ना। अब ये यूनिट आई है मोल पर लीटर, अब वो कह रहा है मिली मोल पर लीटर करो, तो इसको मिली बनाने के लिए ये, अब ये हो गया मिली मोल पर लीटर, मिली मोलर कह रहा है ना, अब इसको कट्टम काट खेल लो तो 25 × 100, तो 25 आंसर आ गया। तो 25 यहां रख देना है, ठीक है कि नहीं बच्चों, बात समझ पाए क्या भाई, एसिड बेस रिएक्शन थी कर दी, इसमें से ये लिमिटिंग रेजेंट है और वो एक्सेस में है, ठीक है लगा दिया, जब इसके दो मोल खर्च होते तो इसका एक फॉर्म होता है, तो जब 0.2 खर्च होंगे तो 0.1 फॉर्म होगा। अब हमारी मोलरिटी की डिफिनीशन है मोल अपॉन वॉल्यूम, 0.1 मोल बना,
वॉल्यूम कितना है, दो ये डाला दो ये डाला तो चार है। अब यूनिट आ रही है मिलीमोलर, तो इसको मोल को मिलीमोल बना दिया। नेक्स्ट 2022 का ये भी क्वेश्चन है। अब वो क्या पूछ रहा है, द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सोल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज। इस बार H2SO4 की नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब H2SO4 बच रहा होगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी, है कि नहीं। कर लो यार, डिट्टो उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी पीछे करके आए, उसमें प्रोडक्ट का पूछा था, इसमें इसका पूछ लिया है, देख लो वही क्वेश्चन है। ये देखिए, अब देखो यार बच्चों, ये हो गया, अब m इंटू बी करो, इधर है उधर है, m इंटू बी कर रहा हूं तो ये मिलेगा 10 मिलीमोल, इसके m इंटू बी किया तो ये 5 मिलीमोल, 0 0, 5 के 5 खर्च हो गए तो बचा क्या, 0। जब इसके 5 खर्च होंगे तो इसके 2.5 खर्च होंगे तो ये बचे 7.5 मिलीमोल। मिलीमोल लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि ये ml में है, अब उसकी जरूरत नहीं तो मैंने उसको छोड़ दिया, कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा नहीं कैलकुलेट किया, क्यों, तुम नॉर्मेलिटी कह रहे हो H2SO4 की, तो ये आ गया, तो मैंने मोलरिटी निकाल दी, मोलरिटी ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे, मोल, ये देखो मोल बना लिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना है 100 ml, दूसरा वाला कितना है 50 ml, 250 ml हो गया, 150 ml हो गया, ml को लीटर बना लिया, ठीक है, तो ये 75 डिवाइडेड बाय 1500, तो 15 25 75, तो 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 5 × 10^-2 मोलर। मगर क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी पूछी गई है, तो हम सबको पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, 2, और ये कितना है, तो ये आ गया 10 × 10^-2 नॉर्मल। अब वो पूछ क्या रहा है देख लो, हाँ 1 × 10^, अच्छा यार ये इसको 1 के फॉर्म में लाना है, तो यदि 1 के फॉर्म में लाओगे तो ये हो गया 1 × 10^-1, तो यहां कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 × 10^-1, है ना, आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 1, क्लियर। पिछला वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, इसको करो देखो, हाँ पढ़ो भाई और आंसर निकालो आप लोग, क्या कह रहा है, क्लोरोफाइल, अच्छा ये भी क्वेश्चन जेई में आ चुका है ना, क्लोरोफाइल का, एक्सट फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीव्स वाज डिसॉल्व इन द वाटर टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ Mg ऑफ कंसंट्रेशन, अच्छा 48 ppm, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ Mg इन दिस सॉल्यूशन इज इतना, द वैल्यू ऑफ X इज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वो कह रहा है इस सॉल्यूशन में Mg के नंबर इतने हैं तो X की वैल्यू बताओ, और आपको दिया दिया क्या है, जरा देखो सॉल्यूशन में क्या दिया है, देखो यार बच्चों सॉल्यूशन में दिया क्या है, जरा समझिए, उसने कहा 2 लीटर का सॉल्यूशन है और जिसका कंसंट्रेशन है 48 ppm, ये देखो है, अब इस सॉल्यूशन में Mg कितने हैं, इस सॉल्यूशन में Mg है X × 10^20 एटम, ये देखो X × 10^20 एटम Mg के,
अब वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, अब आप बताओ इसको कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है इस क्वेश्चन को, वैल्यू ऑफ x बताओ। तो अब इस क्वेश्चन को करना है, इसमें करना ही क्या है, यदि x की वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब मोल निकल आए, और मोल इंटू एन ही कर देंगे तो नंबर निकल आएंगे। अब ये बताओ ये कैसे है, इसका मतलब क्या होता है, 2 लीटर में 48 ppm है mg का, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आप 2 मिनट में कर लोगे। देखो ppm का फार्मूला जानते हो, यदि किसी को याद है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं लिखूं, ppm इक्वल टू मास ऑफ mg, भाई जिसका ppm उसका मास ऊपर और नीचे, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 10^6 ppm। अब ppm की वैल्यू दी है, मास ऑफ mg अपने को निकालना है, अब मास ऑफ कंपाउंड की बात आती है, तो देखो मास ऑफ कंपाउंड कैसे निकाला जाए जिससे अपना काम चल जाए, कि मास ऑफ कंपाउंड बताओ कि मास ऑफ कंपाउंड कितना है। तो उन्होंने कहा है कि 2 लीटर का हमने सोल्यूशन बनाया है, टू मेक वाटर के साथ 2 लीटर का सोल्यूशन, तो वाटर के साथ 2 लीटर का सोल्यूशन बनाया है तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1, है ना, तो हम वाटर की डेंसिटी 1 मानेंगे, तो 2 लीटर के सोल्यूशन का मतलब 2000 ग्राम, कैसे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, यूनिट लिख देता हूं जैसे कंफ्यूजन ना आए, इसी वजह से इसको 2000 ml करना पड़ा, तो ml से ml कट जाएगा तो 2000 ग्राम आ गया, ये देखो, अब कट्टम काट खेल लो, 3 जीरो यहां से उड़ जाएंगे, ठीक है, तो मास ऑफ mg आ जाएगा 48 × 2 × 10^-3, 48 का मल्टीप्लाई 96, ये देखो 96 × 10^-3 ग्राम आ गया। अब इसको मोल बना लो, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू Na बराबर ये, क्यों, हमारे हिसाब से इतने नंबर आ रहा है, उनके हिसाब से इतने, तो अब कट्टम काट खेल लो, तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये 4, और 4 में इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये 24 के आसपास आ गया, और इसकी पावर को देख लो तो ये 20 के आसपास आ गई, x की वैल्यू 24 आ रही है अप्रोक्स, एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 24। ये देखो यार आंसर आ गया है, बात समझ पाए क्वेश्चन कैसे किया, वो कह रहा है कि वाटर में इसका कंसंट्रेशन इतना है, मतलब वाटर में इसका कंसंट्रेशन ना के बराबर है, तो वाटर के आसपास की डेंसिटी होगी, इसी वजह से मैंने डेंसिटी 1 ली है। जैसे कोई बच्चा कहे कि सर आपने अपनी तरफ से डेंसिटी 1 कैसे ले ली, तो जरा बताना वाटर में mg है कितना, 48 ppm है, मतलब ये है कि 10 लाख ग्राम में 48 ग्राम mg है। अब 10 लाख ग्राम में 48 ग्राम mg है, तो यार 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में यदि 48 ग्राम mg है तो इसका मतलब लगभग वाटर ही है ना, इसलिए डेंसिटी 1 ले ली गई है। इसको करो, बताओ भाई, ये 2021 में आया है, बताइए बच्चों। अब देखो 6.5 मोलल, मोलल मतलब मोलरिटी दी है, डेंसिटी 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर है, मोलरिटी पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, देखो कैसे करना है, गौर से देखिए, मोलरिटी दी है आपको, इसका मतलब क्या है,
हमें निकालना क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी के लिए क्या क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ऊपर से किसमें, ऊपर से किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। अब बताओ, तो एक एक करके चालू कर देते हैं। मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, यही तो मोलरिटी का मतलब होता है भाई। मोलरिटी का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, इतने मोल है। सॉल्यूट कौन है, QH है भाई। किसी की मोलरिटी 6.5 ग्राम दी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 6.5 ग्राम सॉल्यूट है, सॉरी 6.5 मोल सॉल्यूट है। अब मोल को ग्राम बना लो, इसका वेट कितना है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। कौन है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। और इसका वेट कितना है, मास बनाओ भाई, KOH का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। दिया है कि मुझे निकालना पड़ेगा, इसने दिया नहीं है, निकालते हैं। QH 39 + 16 + 1 56 मल्टीप्लाई 6.5 364 आ रहा है। अब गौर समझिएगा, आपका क्वेश्चन देखते ही खत्म है। देखो आपको क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने मिल गए, 6.5 ग्राम। ठीक, अब क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए, तो D इक्वल टू एम अपॉन V, तो V इक्वल टू एम अपॉन D, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे है, ये सॉल्वेंट का मास है, ये सॉल्यूट का मास है, तो सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अब ये ग्राम है, ग्राम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, मतलब ml आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1364 डिवाइडेड बाई 1.89, 700, इसको लीटर बना दूं डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करके, तो ये वैल्यू आ रही है 0.721 लीटर। ये समझ पाए कैसे निकाला भाई, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये जीरो है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको यहां रख दो। अब कर लो 6.5 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है, 9 आंसर आ गया। ये देखो है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब वैसे इसका एक फार्मूला भी होता है, आप चाहें तो कॉन्सेप्ट फार्मूला लगा दे, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला लगा कर दो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए 100 मोलल इक्वल सॉल्यूशन इज, सिंपल सी बात है, मोललिटी दी है और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोललिटी दी है और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। आप चाहो तो 2 सेकंड में लगा सकते हो, कैसे, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है ना, कैसे करोगे देख लो, ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट पूछा गया है और मोललिटी आपको दी है, तो यार चाहे तो आप रिलेशन लगा ले, एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है, इसको ऐसे लिख दिया, मोलालिटी दी है, सॉल्वेंट कौन है, इक्वस, इक्वस का मतलब वाटर, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10x1, 18 माइनस 18x1, तो ये कितना हो गया, x1 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 28, ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 14, डिवाइड कर लो यार, कितना है, 9 डिवाइडेड बाय 14, तो ये कितना आ रहा है, 0.642 इंट ये आ रहा है। अब इसको उसमें कर लो तो 64 × 10^-2, तो ये 64 के आसपास आ गया, 64 × 10^-2, बात खत्म हो, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये 2020 में आया है, ये 2020 में आया है, पढ़ो, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये क्या होता है, ये होता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ग्रीन विट्रोल इज यूज्ड टू, ठीक है, फ्रूटिफाइड फूड विद आयरन, द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ व्हीट इज, वो कह रहा है कि यदि हम 100 kg गेहूं बनाएंगे जिसमें आयरन का कंटेंट, आयरन का कंसंट्रेशन 10 ppm है, तो बताओ उसके लिए हमें कितना फेरस सल्फेट लगेगा, इसमें क्या बात है, कैसे करोगे देखते हैं। आपको चाहिए क्या, फेरस सल्फेट का मास, यही तो चाहिए, चेक करो, वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ व्हीट है, तो वो कह रहा है मास कितना लगेगा फेरस सल्फेट का, तो जरा देखो गौर समझना, फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, मॉलिक्यूलर वेट बताओ, जोड़े बताना, 56, अच्छा एक मिनट, जो लिखा है वही जोड़ते हैं, 55.85, ठीक है, प्लस 32, प्लस 16×64, प्लस 7×18, 277.85, इतने ग्राम फेरस सल्फेट चाहिए यदि 55.85 ग्राम आयरन किसी को चाहिए, इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो जब इतना फेरस सल्फेट खाओगे तो आपके पास इतना आयरन पहुंचेगा, है कि नहीं, इतना आयरन पहुंचेगा, तो वो पूछ रहा है कि फेरस सल्फेट कितना चाहिए, तो आप मास ऑफ आयरन निकाल लो, क्यों, क्योंकि जब इतना आयरन आपको रिक्वायरमेंट है, इतने आयरन की, तो आपको फेरस सल्फेट खाना पड़ेगा इतना, इतने ग्राम फेरस सल्फेट खाना पड़ेगा, तो हमें यह पता चल जाए कि गेहूं में कितना आयरन है, इतने आयरन के लिए इतना फेरस सल्फेट चाहिए, तो कितने आयरन के लिए कितना फेरस सल्फेट चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा, पीपीएम दिया है, किसका पीपीएम दिया है, आयरन का, तो मास ऑफ आयरन, अब ये पीपीएम किसमें दिया है, 100 kg गेहूं में दिया है, किलोग्राम को ग्राम बना लिया, तो 5 0 तो कट गए और 1 0 इसमें कट गया, तो देखो मास ऑफ आयरन कितना आ गया बच्चों, 1 ग्राम आ गया,
बात समझ पाए। यदि आपको 55.85 ग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट है तो आपको फेरस सल्फेट लगेगा 277.86 ग्राम। अब वो कह रहे हैं कि गेहूं में इतना आयरन के लिए कितना फेरस सल्फेट लगेगा, तो एक ग्राम आयरन के लिए कितना लगेगा देख लो। यदि एक ग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट है तो इतना फेरस सल्फेट हमें लगेगा। अब डिवाइड कर लो, हाँ लगभग 5 ग्राम, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 4.97, तो लगभग 5 ग्राम लगेगा। बात समझ पाए क्वेश्चन में था क्या। वो कह रहा था कि यार बताओ कि कितना फेरस सल्फेट रिक्वायरमेंट होगी यदि गेहूं के 100 ग्राम में आयरन 10 ppm है। तो मैंने कहा कि यार यदि 55.5 ग्राम आयरन चाहिए तो फेरस सल्फेट हमें 277.85 ग्राम खाना पड़ेगा। तो हम ये देख लें कि आयरन कितना है गेहूं में, उसी हिसाब से फेरस सल्फेट निकल आएगा। तो मैंने देखा 1 ग्राम आयरन है, तो 1 ग्राम आयरन के लिए इतना फेरस सल्फेट चाहिए, बस हो गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखो, द मोलरिटी ऑफ HNO3, ये होमवर्क डाल देता हूं, ऐसा क्वेश्चन अभी हम पीछे करके आए, डिट्टो करके आए, ये होमवर्क में है, अपना घर में करें, ठीक है ना, ये घर में करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। ये देखो 10.30 मिलीग्राम ऑफ O2 इज डिजॉल्व इनटू ए लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml, द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm इज, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, 2020 में आया है क्वेश्चन सेकंड मीटिंग में। भाई ppm क्या होता है, ppm जिसका ppm बना रहे हो उसका मास ऊपर, किसका ppm है ऑक्सीजन का, किसमें है 10.3 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन अ लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी इतनी, किसमें है सी वाटर में, तो मास ऑफ सी वाटर इंटू 10^6, ppm की वैल्यू निकालनी है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 10.3 मिलीग्राम ग्राम बना लिया। मास ऑफ सी वाटर कैसे आएगा, सी वाटर का वॉल्यूम कितना है आ लीटर, एक लीटर, डेंसिटी कितनी इतनी, तो m इक्वल टू v इंटू डी, तो ये कितना आ गया, एक लीटर को हम किस में करेंगे, देखो यूनिट का खेल है, एक लीटर का मतलब 1000 ml, ml से ml कटेगा, तो ये 1030 ग्राम आया है ना, यहां पे 1030 ग्राम लिख दो इंटू 10^6। अब आप देख लो, तो ये तो लगभग कट गया दो जीरो के साथ, तो 10^5 10^6, तो ये 10 ppm आ रहा है। बात समझ गए यार, जिसका ppm निकालना है उसका मास ऊपर, नीचे जिसमें निकालना है इंटू 10^6, ऑक्सीजन का ppm निकालना था तो ऑक्सीजन का मास ऊपर रख दिया, किसमें निकालना था सी वाटर में, तो सी वाटर का मास नीचे रख दिया इंटू 10^6। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन इक्वस बाइनरी सोल्यूशन इज 0.1, द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इज नियरेस्ट, 2020 में आया है, मोल फ्रैक्शन दिया है, मास परसेंटेज पूछ रहा है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है। देखो आप जब सीएचडी पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट लिखा है, जो मोल का रेशियो होता है, जो
जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। बात समझ पा रहे हो? जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। क्यों? मोल फ्रैक्शन आप सल्यूट क्या लिखोगे? मोल आप सल्यूट, मोल आप सोल्यूशन। इसको क्या लिखोगे? मोल आप सॉल्वेंट, मोल आप सोल्यूशन। तो मोल आप सोल्यूशन से मोल आप सोल्यूशन कट गए, तो यही तो बचा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.9। तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही मोल का रेशियो। इसका मतलब यही मोल है, ग्लूकोज के मोल वाटर के मोल का रेशियो। और मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखाया है सीएसडी में, मोल दिया जाए और मोल पूछा जाए, तो मोल को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो। इसका मतलब आप मान सकते हो कि मोल ऑफ ग्लूकोज 1, मोल ऑफ वाटर 9। अब मोल आ गए तो मास परसेंटेज पूछ रहा है ना, मास परसेंटेज ऑफ वाटर। तो जिसका मास परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर, नीचे टोटल मास, तो बस खत्म हो गया। कैसे? मोल आ गए, मास बना लो, 180। नौ इंटू 18, 81 इंटू 2, 160, 162। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना। मैंने इसको 9 इंटू 2 कर दिया तो 9 इंटू 9 81 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 दूनी 16, और 2 और बढ़ गया 62। अब मास आ गए, मास परसेंटेज किसका चाहिए? वाटर का चाहिए। तो मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास इनटू 100। अब इसको सॉल्व करो, इसको जोड़ दो यार, 280 और 280 में आप 60 जोड़ दो तो 340, 342 इनटू 100, 47.3 अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स कितना आ रहा है? 47%, ये आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। बात समझ गए कैसे किया मैंने? देखो, जो मोल फ्रैक्शन दिया था किसका? ग्लूकोज का। तो जो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो वाटर का 0.9 होगा, क्यों? दोनों का समान होना चाहिए। और जो मोल का रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही मोल का रेशियो, तो मोल का रेशियो 1:9 आ गया। मोल के रेशियो को आप एब्सोल्यूट मोल मान सकते हो। जब कहीं ऐसा दिया जाए कि जो चीज निकाल रहे हो वो भी एक रेशियो है, तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो। ये मैथ्स का रूल मैंने बताया है। इस मोल को मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया, क्यों? क्योंकि जो चीज निकालनी है वो भी एक फ्रैक्शन है, मास अपॉन मास है। रेशियो दिया जाए और रेशियो निकालना हो तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया करो। कंसंट्रेशन में क्या? रेशियो दिया जाए और रेशियो निकालना हो तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लिया करो। वो अपने आप मैनेज हो जाता है मैथ्स के हिसाब से। कितने क्वेश्चन है गुरु, देख रहे हो? अभी हम लोग कंसंट्रेशन हेडिंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। सारे क्वेश्चन है 22, 21, 20 के, हर टॉपिक के करो। इतने मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स, द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स इन 2 लीटर। यार इसमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, आपको किसकी मोलारिटी पूछ रहा है? तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, वैल्यूम कितना दिया है? 2।
अब मोल निकाल लें, अब क्या है सब्सटेंस का नाम नहीं दिया है, और जब नाम नहीं दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट नहीं मिलेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाए? तो देखो कैसे निकाला जाए, इतने मॉलिक्यूल का वेट कितना है, इतने मॉलिक्यूल का वेट है 10 ग्राम ऐसे। आपको पता है कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, क्यों? एक मोल में कितने नंबर, 6.023 × 10⁻²³ और एक मोल में कितना वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो इतने मॉलिक्यूल का इतना वेट है, तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा, और जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा। मतलब 100 आया तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 100। और दोस्त मॉलिक्यूलर वेट यदि 100 आ गया है तो बस फार्मूले में डाल दो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया। अब वो 10³ में पूछ रहा है तो ये आ गया, आंसर कितना आ रहा है 25, आंसर कितना आ रहा है 25। क्लियर? अब इसको कर लो, ये कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करें। 100 ml solution was made up by adding 1.43 gram of Na2CO3.xh2O. The normality of the solution is 0.1. The value of x is. तो यार डायरेक्ट नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगाना है, क्यों? मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा तो वाटर की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कितना आया, 2 × 23 + 12 + 16 = 48 प्लस एक्स इंटू 18, इसका मतलब हो गया 46 + 12 + 48 + x × 18। इसको जोड़ दो यार, देखना ये 4 × 4 = 5 और 5 = 9, 9 = 10 और 106 + 18x, हमारे हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट इतना है। अब मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्ट। मोलरिटी इक्वल टू कैसे आई, मोल, ये देखो मोल बनाया, मोल, एन फैक्टर 2, साल्ट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 अपॉन वॉल्यूम कितना है 100 ml, इसको लीटर कर दो, लीटर हो गया, तो 0.1 इक्वल टू 2। अब ये देखो एक जीरो होगा तो ये यहां आ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू आ गया 143 × 2, तो कितना आ गया 286। अब बराबर लिख दो इसके, तो 18x इक्वल टू 286 - 106, तो ये कितना आ गया 180। देखना बच्चों यार जरा, 6 से 6 चला गया, 8 ऐसे ही आ गया, 1 से 1 चला गया, 6 से 6 गया 0, 8 ऐसे ही आ गया, तो x इक्वल टू 10 आ गया। ये देखो आंसर आ गया ना, x इक्वल टू कितना आ गया 10।
मालिक वर्ब हेड फॉर्मूले से निकाल लिया, वह निकाल दी। ये देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 2020। अब कंसंट्रेशन टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, अब इसके बाद स्टार्ट करोगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सोल्यूशन है। अब भाई कोई सोल्यूशन बनेगा तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट का कंपोनेंट और एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट, है ना। वो कह रहा है कंपोनेंट, ए सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट कंटेनिंग एन वन मोल, इसके एन वन मोल है, इसके एन टू मोल है। फर्स्ट कंपोनेंट एन टू मोल ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज प्रिपेयर्ड, एम वन एंड एम टू आर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट वन एंड टू रिस्पेक्टिवली। इसका मॉलिक्यूलर वेट एम वन, इसका मॉलिक्यूलर वेट एम टू। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेंसिटी दी है। सी टू इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, सी टू इसकी मोलरिटी है सोल्यूशन की। एच टू इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एच टू है, ठीक है। अब वो कह रहा है द सी टू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सी टू को कैसे एक्सप्रेस करोगे, सी टू क्या है मोलरिटी। तो यार मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इतनी चीजें देके आपको सिर्फ कंफ्यूज किया गया है, हमें तो फार्मूला ही लगाना है। अब फार्मूला लगाने के लिए देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, ये देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है। तो जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो यार सिंपल सी बात होती है, एम अपॉन डी, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कैसे मिलेगा, ये देखो मोल दिए हैं, मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट ये आ गया, मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा मास, तो मास ऑफ सोल्यूट ये आ गया, मतलब मास ऑफ कंपोनेंट वन आ गया। अब मास ऑफ कंपोनेंट टू भी आ गया, वन और टू के मास का ऐड कर दोगे तो मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो भैया मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, ये देखो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब बस मास ऑफ सोल्यूट की बात आई, क्वेश्चन खत्म है। मास ऑफ सोल्यूट क्या है, एन वन, मास ऑफ सोल्यूट क्या है एन वन। अब आपको देखना है एन वन को सोल्यूट माने कि एन टू को सोल्यूट माने, बस यहां ये देखना है। तो यार देखो मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, एक्स टू का दिया है, तो एक्स टू को सोल्यूट मान लेते हैं, ठीक है। एक्स टू को हम क्या करते हैं, सोल्यूट मान लेते हैं कि हाँ हमारा एक्स टू क्या है, सोल्यूट है। अब देखो करने से क्या आएगा, देखो ये देखो ये इंटू ये जो डी था ये ऊपर चला गया, ये जो डी था वो ऊपर चला गया, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत है बताओ, यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो अब कुछ मत करो। बच्चे कह रहे हैं सर कुछ ना करें, हमने कहा मतलब कुछ करो मगर क्या करना है, आप ऊपर नीचे n1 प्लस n2 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों ने कहा क्यों, मैंने कहा इसलिए क्योंकि सारा आंसर एक्स टू के फॉर्म में है। चेक करो एक्स टू क्या है, एक्स टू मेरे दोस्त मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू है। तो अब मोल फ्रैक्शन बनाना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन बनाना हो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल से डिवाइड कर दो एन वन प्लस एन टू से। तो जैसे ही एन वन प्लस एन टू से डिवाइड करोगे देखो ये क्या हो जाएगा एक्स टू, ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा x2। यदि मेरी बात समझ पाए हो तो डायरेक्ट कर दिया है, देखो
एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टू आ गया, एन वन डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टू। अब इसको आप और घुमा लो, इसको क्या लिख दो, ये लिख दो, इसको और आगे ले जाओ, खोल दो, समझ गए क्या किया। जब ये जाएगा M1, X2 कॉमन ले लोगे तो M2 माइनस M1। अब ये देखो कोई मैच कर जाएगा, ये मैच कर रहा है, है? ये देखो ये मैच कर रहा है, मैच कर गया, चेक कर लो ऐसे। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आप कह सकते हो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा अच्छा था। अब यार बच्चों आ जाओ, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो जो सीएचडी है, सीएचडी से स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो एक बार, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो जल्दी से। अब देखो जब आपने ये बात पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब जरा देखो हम लोग चालू करते हैं, गौर समझिएगा हमें करना क्या है, कैसे करना है, एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, द मोल ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंबशन इज। अब वो 81 ग्राम हमें वाटर प्रोड्यूस कराना है, तो जब भी कंबशन कराओगे, तो मैंने आपको ये बात बताई है कि कंबशन कराने पर कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर बनता है। अब बैलेंस कर लो, कार्बन एक हाइड्रोजन दो, चार, इधर चार है इधर भी चार हो गए, ऑक्सीजन चेक करो बैलेंस। अब 81 ग्राम क्या बना है, वाटर, और वो पूछ रहा है मेथेन के कितने मोल लगेंगे। तो मैंने आपको स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में कराया था कि किसी के भी मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर कर सकते हो, किसी के भी मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर कर सकते हो, ठीक है ना, बस रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो इसके मोल निकालने हैं, तो मैंने लिखा मोल ऑफ मेथेन डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, वन, और इसकी वैल्यू दी है, तो बस मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टू, ये निकालना है, मोल ऑफ मेथेन निकालना है, और ये क्या होगा 81 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय टू, तो ये 81 18 टू 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ गया 2.5 आ गया, है कि नहीं। तो मेथेन कितना आ गया, मेथेन के मोल आ गए 2.5। अब 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 250 × 10⁻², क्यों, क्योंकि ये 10⁻²² लिख रहा है, तो ये 250 हो गया, बस काम खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पे ग्राम होगा है ना, 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स 330 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 270 ग्राम ऑफ कार्बन वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली।
यार कितना इजी क्वेश्चन है, गौर समझिए। वो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यार सिंपल सी बात है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंटू 100 कार्बन का परसेंटेज पूछ रहा है, तो कार्बन का मास मिल जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया है 120। अब देखो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना कार्बन होगा इसके पास, भाई मैंने मान लिया इसका फार्मूला ये है, अब कंबशन कराया, कंबशन कराने पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऐसे जितना कार्बन होगा सबका सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ होगा, बच्चों ने कहा। तो जितना कार्बन इसके पास होगा उतना ही कार्बन तो इसके पास होगा, क्यों, मास नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ कार्बन मास टू अदर फॉर्म ऑफ मास, मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या करोगे, जरा गौर समझो, जितना मास कार्बन का इसके पास है उतना ही मास कार्बन का इसके पास है, तो चाहे इससे मास मिल जाए चाहे इससे मास मिल जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है वो तुम देखते ही निकाल लोगे, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आ गया, और जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही मोल कार्बन के होंगे, क्यों, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, तो इतने ही मोल आ गए कार्बन के। लो यार कार्बन के मोल आ गए, अब कार्बन का मास निकाल लो 12 से मल्टीप्लाई करके, ये बात समझ पाए भाई, सारा का सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो जितना कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में था उतना ही कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में है, कार्बन डाइऑक्साइड का तुमने मास दे रखा है तो कार्बन के मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल होंगे वही मोल कार्बन के होंगे, क्यों, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, अब मोल आप कार्बन आ गए तो मास आप भी कार्बन आ जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर, लो यार मास ऑफ कार्बन आ गया, यहां रख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक मिनट, अब इसको सॉल्व कर लो यार, जीरो से जीरो मार दो, बारह से बारह मार दो, तो ये हो गया ऐसे, ग्यारह से ग्यारह मार दिया, तो ये आ जाएगा सात चौक अट्ठाईस, सात पना पैंतीस, 75% कार्बन होगा, तो बचा हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि दो ही चीजें, तो कार्बन किसमें 75% है, इसमें, यदि कार्बन 75% है तो हाइड्रोजन 25% होगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं ना, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में खूब आए, आप देखो खूब आए, देखो अब मैं उनको होमवर्क लिख दूंगा, आप करिएगा, देखो मैं दिखा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन कहां कहां आए, ये देखो, कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड 720 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 210 ग्राम वाटर, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, कार्बन का परसेंटेज दिया है और हाइड्रोजन का पूछ रहा है इस जगह पे, उसी तरह निकालोगे, अब हाइड्रोजन के लिए निकाल देना, उसी तरह निकालोगे कैसे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
इंटू हंड्रेड। मास ऑफ कंपाउंड कितना है 750 इंटू हंड्रेड। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना कैसे निकलेगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ वाटर निकाल लिए, ये मोल ऑफ वाटर आ गए, ये देखो। अब मोल ऑफ वाटर आ गए तो बच्चों क्या आ गया, मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गया, इसका डबल। हाइड्रोजन के मोल क्या होंगे, इसके डबल होंगे, क्यों, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया, यही आएगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एक, बस उठा के यार रख दो 210 18 इंटू टू इंटू वन, जीरो से जीरो गया, पांच दो, पांच कितने बार जाएगा, एक और दो, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल आएगा। और भी क्वेश्चन है, देखो इस तरह खूब क्वेश्चन आए पेपर में, आपको मैं दिखाता हूं, कई बार ये क्वेश्चन आया है, आई थिंक ये भी वही क्वेश्चन है, नहीं ये अलग है, अभी बीच में मिलेगा, एक दो बार और आया है, क्योंकि टोटल दो तीन बार आया है, दो तो मैंने सॉल्व भी कर दिए, अभी बीच में आएंगे हम लोग करेंगे मिलके, है ना, चलो तब तक इसको निपटाते हैं। ये क्या है पढ़ो, इफ ए रॉकेट रन ऑन ए फ्यूल C15 H20 H30 एंड लिक्विड ऑक्सीजन, द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल, फ्यूल की डेंसिटी दी है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस फ्यूल को बर्न किया गया है, किससे बर्न किया जाएगा, ऑक्सीजन से, कार्बन बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बर्न होगा तो वाटर बनाएगा, कितने कार्बन है 15, कितने हाइड्रोजन है 30, ऑक्सीजन कितने हुए 15 दूनी 30 और 45, ये बैलेंस हो गए। अब वो कह रहा है कि यदि इसके एक लीटर को बर्न किया जाए, एक लीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये मास आ जाएगा, मास निकाल दें, देखो एक लीटर को मैंने लिखा ml और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ml से ml कट गया, तो ये आ गया 776 ग्राम, 756 ग्राम, तो ये आ गया यार 756 ग्राम। अब पूछ रहा है इतने फ्यूल को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, इतने फ्यूल को बर्न करने में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लगेगी, तो यार करना ही क्या है, रूल लगा दो, मोल अपॉन कोफिशियंट बराबर मोल अपॉन कोफिशियंट, एक बार ऑक्सीजन के बराबर कर दो, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कर दो, तो मोल मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो इसका, निकाले देखो 15 × 12 क्या लिखा है, 15 × 12 180 प्लस 30 210, तो ये लो देखो इसका लिख रहा हूं, है ना, मोल देखो बच्चों, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट बराबर, अब बताओ इसका निकालना है तो इसकी वैल्यू लिखो, मोल किसके, ऑक्सीजन के, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 45/2। अब सॉल्व कर लो, तो देखो कैसे होगा, 556/210 3.6, अब ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 45/2 81 आ रहा है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गए 81। अब हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, तो इसमें 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया है
2592। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है, देखो बच्चों आंसर मैच कर रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन 2592 सिर्फ इसमें है, तो बस यही आंसर होगा। क्यों? पहले ऑक्सीजन पूछा गया है, रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड द वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, तो ये आंसर हो गया है बस। मोल अपॉन कोफिशियंट, मगर बैलेंस रिएक्शन पे ये रूल लगेगा, चाहे जिसके मोल अपॉन कोफिशियंट चाहे जिसके मोल अपॉन कोफिशियंट के बराबर कर सकते हो, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, मोल अपॉन कोफिशियंट बराबर मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट। अब इस क्वेश्चन को देखो, वन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, द परसेंटेज ऑफ कार्बन। अभी देखो किया है, दो क्वेश्चन इस तरह के करके आए, फिर तीसरा आ गया है, इसको होमवर्क डाल दूं, कर लोगे ना? परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है, वाटर का मास दिया है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कैसे निकालोगे? उसी तरह से निकालोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। अब देखो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, 2022 में ही दो बार आ चुका है, अभी 2022 ही चल रहा है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, 2022 डिस्कस कर रहा हूं, इसके पीछे वाला क्वेश्चन भी 2022 का ही था, दो बार तो उसी में आ चुका है, बट डाटा अलग अलग है, कर लोगे ना? मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ो। सीएनजी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल व्हेन 100 ग्राम सीएनजी इज मिक्स्ड विद 208 ग्राम ऑक्सीजन इन ए वेसल, इट लीड टू बी द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस कंबशन, देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन ग्राम इज, कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ रहा है। सीएनजी, एज्यूम सीएनजी टू बी मेथेन, सीएनजी को मेथेन मान के चलो, तो यार ये क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, जब सीएनजी को तुम मेथेन मान के चलोगे तो ये आएगा, इसका मास 100 ग्राम दिया है और पूछ रहा है ये कितनी रिलीज होगी, तो क्या करोगे? मोल अपॉन कोफिशियंट बराबर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन कोफिशियंट, तो इतने आ गए मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 100 / 16, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल में क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। अब आंसर निकालो, 4400 / 16, 275। ग्राम आंसर आ गया, लो हो गया खत्म यार। अब इस क्वेश्चन को करो, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, द न्यूट्रलाइजेशन अकर्स व्हेन 10 ml ऑफ 0.1 एसिड ए इज अलाउड टू रिएक्ट विद 30 ml ऑफ 0.05 बेस, द बेसिसिटी ऑफ एसिड इज, एसिड की बेसिसिटी पूछ रहा है, तो यार सिंपल सी रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था HN और OHN मिलके न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, और जितने मोल HN के खर्च होते हैं उतने ही मोल OHN के खर्च होते हैं, इसका मतलब मोल ऑफ HN इक्वल टू मोल ऑफ OHN, न्यूट्रलाइजेशन है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन में तो बराबर बराबर मोल लगेंगे। अब OHN के मोल कितने हुए? m into v, v किसमें होना चाहिए? लीटर में, m इंटू वी करने से मोल आ जाते हैं, मोल का फार्मूला याद है ना, अब इसमें निकालो m इंटू वी इंटू टू, ये देखो
इंटू टू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मोल ऑफ ओएच एन चाहिए आपको, ध्यान है, एम इंटू वी कर रहे थे, मोल ऑफ बेस आएंगे, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल ऑफ ओएच एन आएंगे, है ना, एम इंटू वी किया, किसका एम है, बेस का, तो बेस के मोल आए, और एक बेस में कितने ओएच एन है, दो, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, मोल ऑफ ओएच एन आ गया, तो ये देखो मोल ऑफ ओएच एन, इसी तरह से एच एन निकालो। अब एसिड का नाम नहीं दिया है, तो हमने मान लिया एसिड कुछ ऐसे है, ऐसे, तो देखो एम इंटू वी मोल ऑफ एसिड, यार देखो सीएसडी की जो पीडीएफ दी है उसको याद रखना, अब पता चला एम इंटू वी करने से मोल आता है, यही नहीं याद है तो फिर दिक्कत है, ये सब तो छोटी छोटी बातें याद ही होनी चाहिए। तो देखो मोल ऑफ एसिड इंटू एक्स मोल ऑफ एच एन, एम इंटू वी किया तो किसके मोल आए, एसिड के मोल आए, मगर एच एन के थोड़ी आए, तो एच एन के मोल निकालने के लिए एक्स का मल्टीप्लाई, क्यों, एक मॉलिक्यूल में एक्स एच एन है, एक मॉलिक्यूल में एक्स एच एन है, तो 100 मॉलिक्यूल में कितने एच एन होंगे, एक्स इंटू 100, तो ये क्या है, एम इंटू वी करने से क्या है, मोल ऑफ एसिड आ गए, उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल ऑफ एच एन। अब एक्स ही तो पूछ रहा है, यही तो क्या है, बेसिसिटी है, एक मोल एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एक मोल एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, उसी को तो बेसिसिटी बोलते हो, तो हमने एक्स माने, अब सॉल्व कर दो यार, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो यहां पे एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना, तो अब एक्स इक्वल टू आ गया 3 × 5 × 2 / 10, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो बेसिसिटी कितनी है, 3 है, ठीक है, बेसिसिटी कितनी है, 3। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखो यार क्या कह रहा है, जरा पढ़ो बच्चों अच्छे से पढ़िएगा क्या है, देखो SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर रिजल्ट इन एसिडिक मीडियम, देखो एक्सेस ऑफ वाटर का मतलब ये एल आर है, ये पूरा खत्म होगा, 16 मोल ऑफ एनएच रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिजल्टेंट एसिड मिक्सचर, भाई ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने से, इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 मोल एनएच खर्च हो रहा है, चेक करो, तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2Cl2 कितना लिया, गौर समझिएगा भाई, हम मान लेते हैं इसके एक्स मोल लिए, पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, चेक करो बच्चों रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, रिएक्शन बैलेंस, इसके एक्स मोल लगते हैं, ये तो एक्सेस में है 0 0, जब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया तो ये कितना बनेगा एक्स, ये कितना बनेगा 2x, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, अब जब H2SO4 NaOH से न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी, अब देखो यदि इसके एक्स मोल खर्च होंगे तो इसके जस्ट डबल इसके मोल खर्च होंगे, तो इसके कितने खर्च होंगे 2x मोल, मतलब H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने में NaOH खर्च होगा 2x मोल, अब इधर आ जाओ HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर, HCl हमारा कितना है 2x मोल है, ये देखो, तो जब इसके 2x मोल खर्च होंगे तो इसके भी 2x मोल खर्च होंगे, क्यों 1:1 की रिएक्शन, तो हमारे हिसाब से टोटल एनएच कितना खर्च हो रहा है 2x मोल यहां पे खर्च हो रहा है H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने में, और 2x मोल यहां पे खर्च हो रहा है HCl को न्यूट्रलाइज करने में, तो हमारे हिसाब से टोटल खर्च हो रहा है 4x, और उनके हिसाब से टोटल कितना खर्च हो रहा है 16 मोल, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 मोल, और हमें क्या चाहिए था
एक्स की वैल्यू चाहिए थी, कितना आ रहा है 4 मोल। बात समझ पाए भाई? उसने कहा कि टोटल एसिडिक मिक्सचर को न्यूट्रलाइज कराने में 16 मोल खर्च हो रहा है एनएच के, तो आप बताओ कि SO2Cl2 कितना लिया गया था। तो मैंने कहा ठीक है हम देख लेते हैं, यदि SO2Cl2 के x मोल लिए गए हैं तो H2SO4 x मोल बनेगा और 2HCl x 2x मोल बनेगा। H2SO4 को न्यूट्रलाइज कराने में 2x मोल NaOH लगेगा, HCl को न्यूट्रलाइज कराने में भी 2x लगेगा, तो टोटल NaOH कितना खर्च हो रहा है 4x, उनके हिसाब से कितना खर्च हो रहा है 16, बराबर कर दिया। नेक्स्ट देखो जरा, कंसीडर द रिएक्शन 4HNO3 प्लस 3KCl इक्वल टू Cl2 प्लस इतना इतना, द अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3 इज, KNO3 दिया है और इसका अमाउंट पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये दिया है। मैंने कहा है रिएक्शन यदि बैलेंस है तो किसी के भी मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो, तो कर दो यार, ये दिया है ये पूछ रहा है और पूरी रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो, तीन के तीन के Cl दो तीन सॉरी Cl तीन दो तीन, नाइट्रोजन चार एक और तीन, सब बैलेंस है। तो बस मोल ऑफ HNO3 निकालने हैं डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, मोल ऑफ KNO3 110 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट निकालो, लाओ जोड़ते हैं हथियार दो, के का कितना है 39 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 48 101 KNO3, एक बार देखना 111 ही आ रहा होगा, 101 आ रहा है, हाँ दोस्तों फिर एक बार जोड़ देता हूं 39 14 और सोलते हैं 48, 101 ही आ रहा है यार, मुझे लगा था ऐसा डाटा दिया होगा कि कट जाएगा, मगर कोई बात नहीं, ये देखो क्लियर है। अब इसको घुमा फिरा लो, मतलब इधर उधर कर लो यार, तो मोल ऑफ HNO3 कितना आ गया, इतना आ गया, अब पूछ क्या रहा है अमाउंट, तो मोल को अमाउंट कैसे बनाओगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके, अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है 110 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 101, 91.5 आ रहा है अप्रोक्स, ये देखो आंसर आ गया, क्लियर? कैसे करोगे बात समझ रहे हो? आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो बस रिएक्शन बैलेंस करो और मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर कर दो, किसके किसके बराबर करोगे यार, जो निकालना है उसके और जो दिया जाए उसके। हाँ भाई यार तुम लोग हजम कर भी पा रहे हो कि अकेले हम ही चलते चले जा रहे हैं, मैं तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 50-60 क्वेश्चन होंगे, सारे 50-60 क्वेश्चन है इस टाइम, देखो स्लाइड नंबर क्या चल रहा है 39 नंबर स्लाइड चल रहा है, तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा और हमको तुम दोनों को मिलके खूब प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले जाओ, और कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ोगे, आपको मैंने सीएचडी का पीडीएफ दिया है उससे कॉन्सेप्ट पढ़ो अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो अप्लाई करो, ठीक है आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो जरा क्या लिखा है, कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम एथेन गिव्स x into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ x इज, मैं जल्दी कर देता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो यार 2 मिनट में आप लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं, कंबशन होता है तो कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो बस इन दोनों को बराबर कर दो, देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 12 × 24 और 24 × 6 = 30 अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन कोएफिशिएंट हो गया, अब इसके मोल
अपॉन कॉफिशियंट कितना 3, तो मोल कितना आ गया, मोल आ गया 0.3। क्लियर है कि नहीं। अब 0.3 मोल आ गया, अब इसको क्या बनाना है, एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ वाटर, एन ए की वैल्यू कितनी दी है, नहीं दी है तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं 6.022 × 10⁰³। तो ये कितना हो गया 18 × 10⁰², है ना। अब बस 18 आ रहा है, x इक्वल टू x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 18 आ रही है। लो यार, नेक्स्ट। अब ये 2022 का क्वेश्चन है, ए 2020 का सॉरी, इस क्वेश्चन को करो, पूछ क्या रहा है देख लो। द अमोनिया रिलीज ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यूरिया की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो अमोनिया निकलती है, ऐसे ये रिएक्शन आपने पढ़ी है ऑर्गेनिक में, तो इस तरह से अमोनिया के 2 मोल निकलते हैं और बनता है सोडियम कार्बोनेट, ऐसे रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस कर दी, चेक कर लो पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस। अब ये कह रहे हैं कि जो अमोनिया निकली है वही है ना, उसको न्यूट्रलाइज कराने में कितना एनओएच खर्च होगा या कितना एचसीएल खर्च होगा, इसमें से कौन न्यूट्रलाइज कराएगा। द अमोनिया रिलीज ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया विद एनओएच कैन बी न्यूट्रलाइज बाय, तो पहले देखो अमोनिया निकल कितनी रही है, ये 0.6 ग्राम है और हमें निकालना क्या है अमोनिया, तो आपको तो पता ही है यदि अमोनिया निकालना है, इसकी वैल्यू दी है, इसको निकालना है तो बस मोल अपॉन कॉफिशियंट बराबर कर दो, मोल यूरिया का 60 होता है अपॉन कॉफिशियंट 1, मोल अपॉन कॉफिशियंट तो मोल ऑफ अमोनिया कितना आ गया बेटा, इसको डिवाइड करो यार 0.1 बचेगा ना, 6 से डिवाइड किया 0.02 है ना, 0.01 × 2 इक्वल टू 0.02 मोल बचे। अमोनिया के कितने मोल है 0.02, एचसीएल के कितने मोल लगेंगे, तो जब अमोनिया और एचसीएल की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो होगी कैसे, ऐसे ही तो होगी, इसका मतलब यदि 0.02 मोल अमोनिया न्यूट्रलाइज करना है तो एचसीएल भी 0.02 मोल बनेगा, जितना अमोनिया खर्च हो रहा है उतना ही तो एचसीएल खर्च हो रहा है, 1:1 की रिएक्शन है, अमोनिया कितना है 0.02 मोल, तो एचसीएल भी कितना खर्च होगा 0.02 मोल। अब देख लो किसमें 0.02 मोल एचसीएल है, N×V करो, ठीक है 10 का मतलब हुआ 0.01। अरे यार इसको लीटर में करोगे ना तो ऐसे करोगे तो ये 0.01 आएगा, हमें 0.02 चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 0.04 आ जाएगा, है ना 0.2, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, इसको करो बस यही होगा, क्वेश्चन अच्छा है यार, है ना, ये आंसर हो गया, समझ गए कैसे किए। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, ध्यान दीजिए सारे बच्चे क्या क्वेश्चन है। NaClO3 is used even in spacecraft to produce CO2. The daily consumption of pure O2 by a person is 492 liter at 1 atmospheric. ये वन है, 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin. How much amount of sodium chlorate, NaClO3 sodium chlorate,
इन ग्राम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओ टू फॉर द डेली कंजम्पशन ऑफ ए पर्सन एट वन एटमोस्फेरिक एंड 300 केल्विन। वो कह रहा है एक आदमी को डेली कंजम्पशन के लिए, एक आदमी को इसके क्या है हाउ मच अमाउंट ऑफ, हां एक आदमी को डेली कंजम्पशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए 492 लीटर, और इस 492 लीटर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना सोडियम क्लोरेट लगेगा, बस ये वो पूछ रहा है। 492 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना सोडियम क्लोरेट लगेगा, तो भैया ये दिया है ये निकालना है, बस इनके मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर कर दो, यही तो कह रहा है। तो भैया इसके मोल कैसे निकाले जाए, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ। अब गौर सुनना, यहां पे वो वाला फार्मूला नहीं लग सकता, मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, क्योंकि वो फार्मूला तब लगता है जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 एटमोस्फियर हो। टेम्परेचर 25 नहीं है, 300 है, इसका मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ध्यान रखना, कोई बच्चा भूल से ये गलती ना कर दे, हमें इसके मोल चाहिए, तो बस हमें करना कुछ नहीं है भाई, मोल ऑफ सोडियम क्लोरेट डिवाइडेड बाय 1, रिएक्शन बैलेंस है चेक कर लो, और मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1, क्लियर। सोडियम एक, सीएल एक, ऑक्सीजन 3, 2, 1, 3, Fe1, सब बैलेंस। इसके मोल कैसे मिले, तो भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी कितना दिया है 1, वी कितना दिया है 492, एन निकालना है, आर की वैल्यू देखो इसने क्वेश्चन में कहीं नीचे लिखी है ना, वैसे भी हम लोगों को याद होती है, और टी की वैल्यू 300। अब मोल निकाल लो, हथियार यूज कर लेते हैं, 492 डिवाइडेड बाई 0.0082 डिवाइडेड बाई 300, 20 आ रही है, 20 मोल, वो यहां रख दोगे तो यार 20 मोल इसके भी आ गए। अब मोल को अमाउंट बना लो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, सोडियम कितना होता है 23, प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 48, 106.5 इंटू 20, 21.30 आ रहा है, 106.5 इंटू 20 2130 ग्राम, 2130 आ रहा है। अब वो क्या इंटीजर में क्वेश्चन था, इंटीजर में क्वेश्चन है, 2130 आंसर आ गया। कैलकुलेशन देखते जाना, हो सकता है किसी किसी जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए मेरे से, है ना, हो सकता है किसी किसी जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, देखते जाना, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कहीं नहीं होगी, है ना, कैलकुलेशन का हो सकता है, क्योंकि लगातार क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं और दोबारा पलट के ये भी नहीं चेक करते हैं कि है, और लाइव क्लास है नहीं, लाइव क्लास में तो आप लोग बता भी देते हो, लाइव है नहीं तो इसलिए कैलकुलेशन चेक करना, बाकी तो मैं देख रहा हूं, वैसे मैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही कर रहा हूं, है ना, तो चांसेस बड़े कम है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी 2020 का है, 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस एनोएस सॉल्यूशन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन दिस टू रिएक्शन। देखो यार, ये ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री मिक्स क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, HCl के रिएक्शन जिंक से कराओगे तो यार ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसके कितने हैं 5 ग्राम, क्लियर। अब हाइड्रोजन के मोल निकाल लो, मोल निकल आएगा तो वॉल्यूम निकल आएगा, एसटीपी पर मोल निकल आएगा तो वॉल्यूम निकल आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के
या वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, मोल को वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करते हैं एसटीपी पर 22.4 से डिवाइड, मोल तो निकल ही आएंगे। इसका वो दिया है मॉलिक्यूलर वेट, इसका नहीं दिया है, ना दिया जाए, वैसे जहां तक मुझे याद है 65 होता है, है ना, मान लो गलत भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कोएफिशिएंट, देख रहे ना रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गए 5/65, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी कितना आया, बाईस दशमलव चार लीटर आ गया, ठीक है। अब दूसरा निकालो, अब जब इसकी एनएच से रिएक्शन कराओगे तो क्या आएगा, जेडन प्लस एनएच। अब यार बहुत सारे बच्चों को ये रिएक्शन ही नहीं पता होगी, और रिएक्शन नहीं पता होगी तो फिर आंसर नहीं आएगा, है ना। सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, एस ब्लॉक में पढ़ाते हैं जब NaOH पढ़ाते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब बैलेंस कर लो, दो सोडियम सब कुछ बैलेंस है, अब ये 5 ग्राम है, फिर वही काम करो, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गए 5 अब तुम समझ रहे होगे, जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो 1:1 आएगा, जो ये वैल्यू है वो ही वैल्यू है, तो 1:1 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, 1:1, क्यों, दोनों के मोल वैल्यू बराबर निकल रहे, ठीक है, कर लोगे। चलो अब और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो ये, देखो ये भी 2020 का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मगर द रेशियो ऑफ द मास परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज दिया है 4:1, और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज दिया है 3:4 ऑफ ए सैचुरेटेड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स रिस्पेक्टिवली। द मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज, यार है क्वेश्चन बहुत सिंपल, कैसे, वो कह रहा है कि यार कंपाउंड को कंप्लीट कंबर्शन करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन लगेगी, ये पूछ रहा है, तो बस मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर कर दे। मगर बात कहां फंस रही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हाथ में नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लो, मास का रेशियो दिया है, और मास का रेशियो दिया है तो मोल का रेशियो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कैसे निकालोगे, यहां पर एक खास बात है भाई, किसी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एटम का मास फिक्स होगा ना, बात समझ लो भाई, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में कार्बन का मास परसेंटेज फिक्स होगा ना, अलग अलग तो नहीं होगा। यहां देखो कार्बन का मास 4 है, यहां पे 3 है, तो पहली बात इसका परसेंटेज फिक्स करो, दोनों में सेम होना चाहिए, तो इसको क्या करो, देखो इसको इस तरह से अरेंज करो, और ये क्वेश्चन हम बचपन में करते थे, ध्यान दो, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें कराए जाते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, 6-7 की बात कर रहा हूं मैं, और ये चीज ऐसे दी है, तो कार्बन का मास फिक्स होना चाहिए, तो ऊपर वाले में 4 का मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले में 3, तो जब ऊपर वाले में 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया, और नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई किया
तो ये 3 और ये 12, नीचे वाले में 4 का मल्टीप्लाई, तो ये 12 और ये 16। तो ये देखो तीनों का मास रेशियो आ गया। अब इसमें क्या है, कार्बन दोनों में बराबर है। जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 12, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और ये 16। तो कार्बन का मास दोनों में सेम आ गया। अब ये मास रेशियो अब सही बना जाके, भाई किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन का मास परसेंटेज 2 थोड़ी होंगे, 1 होगा। तो दोनों में 12-12% फिक्स करो, चाहो तो 1-1% फिक्स कर लो, बस सेम वैल्यू होनी चाहिए चाहे जो निकालो। अब ये मास आ गया तो यार मोल का रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो मोल बनाओ। तो ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 1। तो इसका मतलब C1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन ये, ऐसा मॉलिक्यूल है। द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन इज दिस। अब इसके 2 मोल हैं, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल लेने हैं, तो इसके 2 मोल ले लो। ये कितना है, CHO, कार्बन एक, हाइड्रोजन कितने है? 3, ये देखो 3, ऑक्सीजन 1, यहां कितने ऑक्सीजन हुए, 3 और 2 5, का एक यहां पे है, 2 यहां हो गए। देखो समझ गए, अब मोल अपॉन कोएफिशिएंट, इसके मास दिया है, इसके 2 मोल, तो देखो इसके मोल दिए हैं 2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 1, यहां पे 1 है, इसके मोल, अच्छा यार ये बात समझ पा रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि अकेले मैं ही कर रहा हूं, सारी जनता सोच रही हो ये हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मैं इसीलिए इतनी देर से डर रहा हूं इस बात से कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि अकेले हम ही चले जा रहे हैं, सारी जनता सोच रही है हो क्या रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही रहे हो ना, मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर करने हैं, किसके किसके, जो दिया जाए जो निकालना हो। तो भैया इसके 2 मोल दिए थे, कोएफिशिएंट क्या है 1, इसके निकालने हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने आ गए, 4 आ गए यार, बस हो गया क्वेश्चन, यही पूछ रहा था इसके कंबशन में इसके कितने मोल लगेंगे ऑक्सीजन के, ठीक है कि नहीं। अब इसको पढ़ो, द वैल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल फास्फोनिक एसिड। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मेंस में अब मुझे ईयर नहीं याद है, इसका फार्मूला पूछा गया है कि फास्फोनिक एसिड होता क्या है, तो बच्चों को फास्फोनिक एसिड का फार्मूला नहीं पता है, इसको बोलते हैं फास्फोनिक एसिड, S3PO2 को फास्फोनिक एसिड बोलते हैं, ये देखो। तो अब इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये देखो इसका फिगर ऐसे होता है, ऐसे, तो एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ ये है, तो न्यूट्रलाइज सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, ये पी ब्लॉक में हम लोग 12th में पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 15 में, इसको मेटाफास्फोरस एसिड बोलते हैं, मेटाफास्फोरिक एसिड, और इसका कॉमन नेम ये है फास्फोनिक एसिड, और ये पेपर में एक बार आ चुका है, ईयर मुझे याद नहीं है अभी, ये बैलेंस ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि एक एसिडिक हाइड्रोजन है। अब वो पूछ क्या रहा है कि द वैल्यूम ऑफ 0.1 NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, इतना बराबर कर दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, m into v, देखो n into v into ये कैसे किया, देखो वैसे तो मैं ये रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू वैल्यूम इन लीटर, तो नॉर्मेलिटी दी है
वॉल्यूम दिया है लीटर में बना दिया, बराबर नॉर्मेलिटी दी है वॉल्यूम दिया है निकालना है लीटर बना दिया, ठीक है। अब कट्टम काट खेल लो, ये आंसर आ गया, कर लोगे इस क्वेश्चन को करो, सभी लोग करें। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबर्शन ऑफ वन मोल ऑफ प्रोपेन एंड वन मोल ऑफ ब्यूटेन, वही चीज दी है, मोल रेशियो बराबर करके निकाल लेना। देखो प्रोपेन क्या होता है, C3H8 कंबर्शन किया तो 3 CO2 4 वाटर। अब इसके कितने मोल है, 1 मोल, रिएक्शन बैलेंस करो 6, 6, 4, 10, क्लियर है। अब देखो मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, तो मोल ऑफ O2 यहां पे कितने खर्च हुए, 5 मोल। अब ब्यूटेन देखो C4H10 ऑक्सीजन, कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर, क्लियर है कि नहीं। अब क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस कर लो 8, 8, 5, 13। अब इसके कितने मोल है, 2 मोल, मोल अपॉन कोएफिशिएंट और मोल ऑफ O2 अपॉन कोएफिशिएंट, तो कितने मोल आ गए, मोल ऑफ O2 आ गया 13 मोल। दोनों का सम कर दो, 5 और 13, 18 मोल आ गए। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कॉन्सेप्ट तो यही लगना है, क्या आ गया 18 मोल। क्वेश्चन खत्म, आंसर हजम, ठीक है कि नहीं। अब देखो परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बता देता हूं, जैसे आपको ये पता चल जाए कि परसेंटेज यील्ड होता क्या है, गौर समझो। जैसे यार ये देखो एक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। अब इसके बेटा हमने क्या किए, 10 मोल लिए, तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, बी का। यदि ए के 10 मोल लोगे तो बी कितना बनेगा बताओ, तो जब ए के 10 मोल लोगे तो बी बनेगा 20 मोल। यदि 100% रिएक्शन हो रही है, मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना बनेगा, 20 मोल। अब इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे 100% रिएक्शन कंप्लीट, इसको आप क्या बोलोगे, 100% रिएक्शन कंप्लीट। क्यों 100% रिएक्शन, मगर मान लो किसी वजह से रिएक्शन 100% ना हो, यदि यही ए मोल हमने लिया, जरा समझिएगा बात को, परसेंटेज यील्ड का पहले मतलब बता देता हूं। ये देखो हमने इसके 10 मोल लिए इनिशियल में 0, और इसके 15 मोल बने, तो अब पूछा जा रहा है रिएक्शन कितने परसेंट हुई, रिएक्शन कितने परसेंट हुई, इसी को कहते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई और उसके रिस्पेक्ट में कितना प्रोडक्ट आया। तो गौर से समझो कैसे करते हैं, यदि 100% रिएक्शन होती तो कितना आता, 20, और 100% नहीं हुई है तो कितना आया है, 15। तो देखो 15 डिवाइडेड बाई 20 × 100, जितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ये अपने आप तो निकाल नहीं पाओगे, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, और बाय कैलकुलेशन 100% रिएक्शन होती तो कितना प्रोडक्ट आता, इंटू 100। अब आप इसको चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना आ रहा है, मतलब 75% रिएक्शन हुई है।
तो इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है 75%। ये रिएक्शन कितनी खत्म हुई है 75%। बात समझ पाए? तो परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट जो मैंने पीडीएफ दी है सीएसडी की उसमें भी लिखा है। और होता क्या है, बात समझ गए सब लोग? 100% रिएक्शन होती तो कितना प्रोडक्ट बनता, वो नीचे, और क्वेश्चन में कितना प्रोडक्ट दिया है वो ऊपर, इंटू 100 इंटू 100। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यदि आप चाहो तो देख लो कि करना क्या है। मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूं। देखिए आपको किस तरह से काम करना है। देखो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी वो ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल होगी, है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू प्रोडक्ट। और ये क्या कैलकुलेट करके सपोज की जाती है, जब रिएक्शन 100% हो रही हो, ये कैलकुलेट करके निकाली जाती है इनटू 100। बस आपको ये करना है, अपने आप परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि रिएक्शन 100% होती तो इतनी वैल्यू आती। अब रिएक्शन कुछ परसेंट हुई है, 20% 30% 40%, मगर हमें नहीं पता है, तो इतनी वैल्यू आई है, तो वो इस वैल्यू का कितने परसेंट है बस निकाल दो, यही परसेंटेज यील्ड है, यही परसेंटेज यील्ड है। बात समझ रहे हो ना आप लोग, क्या है, किस तरह से निकालते हैं परसेंटेज यील्ड। यदि मैं समझना जरा, यदि मैं एक ग्लास पानी पीता हूं तो 20 एनर्जी खर्च कर सकता हूं, मगर मैंने एक ग्लास पानी पिया और 20 एनर्जी खर्च की तो ये 100% इफिशियंसी है। अब मैंने एक ग्लास पानी पिया और सिर्फ 10 एनर्जी खर्च की है, तो बताओ कितने परसेंट वर्क किया, 50%। करनी थी 20 मगर किया 10 ही है, तो 50% हुआ, बस वही है। ये 100% रिएक्शन से आएगा और ये क्वेश्चन में दिया होगा, बस परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। देखो करते हैं क्वेश्चन, देखिए ये 2021 परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन सारे के सारे 2021 में आए हैं। देखो बेंजीन नाइट्रो बेंजीन बना रहा है, इन द अबव रिएक्शन 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स 4.92 ग्राम ऑफ नाइट्रो बेंजीन, द परसेंटेज यील्ड ऑफ नाइट्रो बेंजीन इन द अबव रिएक्शन इज। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंटल, जो क्वेश्चन में दी जाएगी वो एक्सपेरिमेंटल होगी। अब आपको 100% रिएक्शन होने पर कितना नाइट्रोबेंजीन बनेगा वो निकालना पड़ेगा। रिएक्शन लिखो और इसको बैलेंस कर लो। देखो बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन से करानी है, मतलब नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो आपको पता है नाइट्रेशन कराते हैं, है ना, तो नाइट्रेशन कराने पर ये देखो आया, ये नाइट्रोबेंजीन आ गया और ये वाटर आ गया, ये देखो। अब बेंजीन कितना है, इतना, इतने ग्राम। अब इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो, तो देखो मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, तो मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन आ गए 0.1 इसको डिवाइड करो, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मोल, है ना, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मोल। अब हमें अमाउंट निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 12 हथियार निकालते हैं, हथियार से करते हैं, है ना। देखो गौर से देखना, कार्बन कितने हैं दोस्त, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 5,
नाइट्रोजन कितने हैं 14 और ऑक्सीजन कितना है 16 दूनी 32 123 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है तो ये आ गया 6.125 ग्राम 61.5 ये आया। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, यदि रिएक्शन 100% होती तो इतना बनता, क्यों? क्योंकि तुमने पूरा का पूरा कंज्यूम कराया है। देखो 100% रिएक्शन होगी तो कितना बनेगा ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में, मतलब ये कैलकुलेटिंग वैल्यू है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, और जो क्वेश्चन में दी होगी वो एक्सपेरिमेंटल होगी, हमें नहीं पता है कि कितने परसेंट रिएक्शन होने पे इतना प्रोडक्ट आया है, है ना? तो जरा देखो ये हमें मिल गई, अब परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, अब आप कॉन्सेप्ट लगा दो, अगले पेज पे लगा देता हूं, है ना? क्या लिखोगे? परसेंटेज यील्ड गिवन वैल्यू अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन 200, देख लो जरा एक बार 9.2। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो तो ये 492 डिवाइडेड बाय 6.15 80% है, यील्ड कितनी है 80%, यील्ड कितनी है 80% यील्ड है, बस आंसर आ गया है, कर लोगे। अब अगले क्वेश्चन पे आओ, फिर वही क्वेश्चन डिक्टो, देखो कंसीडर द एबव रिएक्शन द परसेंटेज यील्ड ऑफ एमाइड प्रोडक्ट। अब एमाइड प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो दी है ये कौन सी है एक्सपेरिमेंटल, अब कैलकुलेटिंग वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और यहां पर दोनों की वैल्यू दी है तो यहां पर हमें लिमिटिंग रेजिएंट यूज करना पड़ेगा, पहले हम लिमिटिंग रेजिएंट यूज करके ये देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा, है कि नहीं, मगर 100% रिएक्शन करा के, तो मोल बनाओ, मोल। अब ये एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट C6H5COCl, तो कार्बन कितने हैं 12 × 7, है ना, 6 और 1 7, 5 हमारे हो गए ये हाइड्रोजन, प्लस 16 प्लस 35.5 140.5 आया, तो ये अप्रोक्स कितना हो गया, ये अप्रोक्स हो गया 10³ मोल, ठीक। अच्छा अब इसके मोल बनाइए, तो इसके मोल बने 0.388 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, लिमिटिंग एजेंट चेक करना चाहते हो ना, मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो, जिसका छोटा होगा वो लिमिटिंग रेजेंट होगा, और प्रोडक्ट ऑलवेज लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में फॉर्म होता है, तो पहले मैंने मोल निकाले, अब इसके भी मोल बनाओ, तो मॉलिक्यूलर वेट ले लो 12 × 12 144, 6 × 6 = 12 कार्बन है, 10 × 10 = 11 प्लस 11 प्लस नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, बस हो गया 169। अब डिवाइड कर लो यार, 0.388 डिवाइडेड बाय 169, अच्छा तो ये आ रहा है 2 × 10⁻³ मोल, 2.2 × 10⁻³ आ रहा है लगभग। अब मोल अपॉन कोफिशिएंट, रिएक्शन बैलेंस है, एक एक और एक, देख लो पूरी रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक कर लीजिए, ये रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन बैलेंस है, तो लिमिटिंग एजेंट निकालो, मोल अपॉन कोफिशिएंट 1, ये वैल्यू आई, मोल अपॉन कोफिशिएंट ये वैल्यू आई, छोटा कौन है ये, तो ये एलआर है, इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो इसके रिस्पेक्ट में, मोल अपॉन कोफिशिएंट बराबर कर देते दोनों के, बात समझ तो पा रहे हो ना कैसे कर रहा हूं, एलआर कैसे निकाला जाता है, मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो जिसका छोटा होगा वो एलआर होगा,
और प्रोडक्ट ऑलवेज एलआर के फॉर्म में फॉर्म होगा। तो देखो इसकी वैल्यू थी ये मोल अपॉन कॉफिशियंट, बराबर करोगे इसके मोल अपॉन कॉफिशियंट के, मोल किसके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट बहुत बड़ा है तो प्रोडक्ट लिख देता हूं, और कॉफिशियंट वन, तो मोल ऑफ प्रोडक्ट आ गए 10^-3। अब इसको अमाउंट बना लो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अब देखो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करो, ये कंपाउंड है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा देख लो, कितने कार्बन है 6, 12, 18, 19 कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, प्लस नाइट्रोजन कितना है 14, प्लस हाइड्रोजन कितने 5 और 15 है ना, 273, तो 273 आया इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 273, इसका मतलब 0.73 ग्राम। ये तब आया जब 100% रिएक्शन होती, और वैसे कितना आया है इतना, अब बस परसेंटेज यील्ड निकाल लो, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू गिवन वैल्यू 2.0.210 और एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटिंग वैल्यू इनटू 100। क्यों, कैलकुलेशन करने से क्या आता है, वो वैल्यू आती है जो ये बताती है कि यदि रिएक्शन 100% होती तो कितनी वैल्यू आती, तो 210 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 100 76.9 आ रहा है, अप्रोक्स 77%। तो परसेंटेज यील्ड कितना है 77%, क्लियर कर लोगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी 2021 में आया, 2021 में परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन हर पेपर में आए, देखो क्या लिखा है, ग्राम ऑफ 3-हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल मॉलिक्यूलर वेट 74, ये गड़बड़ है, ये ए होगा, क्यों, यदि ऑल होगा ना तो मॉलिक्यूलर वेट 74 आएगा ही नहीं, चेक करो देखो 3 कार्बन है ठीक, यदि यहां पर मैं ओ लगा दूं और यहां पर जब एल्डिहाइड लगाऊंगा तब आएगा मॉलिक्यूलर वेट 74 है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, मुझे याद है ये क्वेश्चन। अब देखो 3-हाइड्रोक्सीप्रोपेनॉल, अब इसका डिहाइड्रेशन हुआ है और डिहाइड्रेशन होने पे एक्रोलीन आ रहा है C3H4O, अब इससे वाटर निकाल दो तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा CH2, यहां से OH यहां से H, ये एक्रोलीन का फार्मूला होता है ऐसे, ये देखिए। अब वो क्या कह रहे हैं जरा गौर सुन, वो कह रहे हैं कि यार इसके कितने ग्राम लें कि प्रोडक्ट इतना बना है और परसेंटेज यील्ड कितनी है 64%। तो यार ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया, क्यों भाई, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू क्या लिखते हो, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100% रिएक्शन की वैल्यू। अब 100% रिएक्शन होने पे कितना आएगा हमें नहीं पता है, हम निकाल लेते हैं जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं, मोल अपॉन कॉफिशियंट, मोल अपॉन कॉफिशियंट बराबर कर दो, तो इसके मोल अपॉन कॉफिशियंट मोल ये बन गया मोल अपॉन कॉफिशियंट 1, इसके मोल अपॉन कॉफिशियंट 1, तो मोल ऑफ एक्रोलीन आ गया कितना आ गया बच्चों एक्स डिवाइडेड बाई 74। अब इसमें मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो तो वेट ऑफ एक्रोलीन आ गया
देखो मैं क्वेश्चन डिट्टू वही कर रहा हूं, बार बार वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। कितना है मॉलिक्यूलर वेट? 56। ये देखो मास आ गया, यदि 100% रिएक्शन होती तो एक्रोलिन कितना बनता? रख दो एक्स 56, ये ऊपर चला जाएगा 74 × 100, तो हमें एक्स निकालना है। एक्स इक्वल टू आ गया 56। ये बात समझ पाए यार? जैसे पहले क्वेश्चन करते थे वैसे ही अब करते हैं। वो कह रहा है कितना 3-hydroxypropanol लिया जाए और उससे पानी निकाला जाए तो 7.8 ग्राम एक्रोलिन बनता है और यील्ड कितनी है 64%। तो 64% एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन 100% रिएक्शन होने पर वैल्यू। तो मैंने मान लिया इसका एक्स ग्राम था, एक्स ग्राम होगा, 100% रिएक्शन होगी तो कितना अमाउंट आएगा? इतना रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7.8 × 74 × 100 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 56, 16 वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 16 ग्राम। लो खत्म हो गया, ठीक है ना, कर लोगे? अब इस क्वेश्चन को देखो, कंसीडर द अबव रिएक्शन वेयर 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज यूज्ड टू गेट 7.8 ग्राम ऑफ मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब यार मैं इसको होमवर्क लिख दे रहा हूं, है ना, इसी तरह के कितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसलिए इसको होमवर्क लिख दे रहा हूं, करके आइएगा, करके आइएगा। अब देखो टॉपिक क्या है, लिमिटिंग रेजेंट, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आई थिंक। अब लिमिटिंग रेजेंट में दोस्त क्या करते हैं, आपको पता है लिमिटिंग रेजेंट में क्या बातें करनी है। पहला पॉइंट, आप क्या क्या करोगे, पहले तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट बैलेंस रिएक्शन पर लगता है, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, आप मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो, इसको कैलकुलेट कर लो। तीसरा क्या है, जिसका मोल अपॉन कोएफिशिएंट सबसे छोटा होगा, स्मॉल होगा, वही एलआर होगा, वही क्या होगा एलआर। और जो भी कुछ निकालना है, ठीक है, जो भी कुछ कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट कैलकुलेट करो या रिएक्टेंट कैलकुलेट करो, ऑलवेज कंपेयर करो एलआर से, ऑलवेज कंपेयर टू एलआर, एलआर से कंपेयर करके आपको चीजें निकालनी है। जो भी कंपेयर करोगे एलआर से करोगे, ध्यान रखना। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो। तो ये और ये तो हम पीछे करके ही आए हैं, अब हमें बस इतना देख लेना है कि स्मॉल कौन है, और जो स्मॉल है उससे दूसरे के मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर करने हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रेजेंट में कोई फर्क नहीं है, बस इतनी चीज देखनी है कि मोल अपॉन कोएफिशिएंट किसका स्मॉल है और उससे कंपेयर कर देना है। अब बात आती है लिमिटिंग रेजेंट चेक कब किया जाता है, लिमिटिंग एजेंट तब चेक किया जाता है जब मिनिमम दो रिएक्टेंट की वैल्यू दी हो, मिनिमम टू रिएक्टेंट गिवन, यदि दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है तो हम एलआर चेक करते हैं, तो हम एलआर चेक करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, सबका मोल अपॉन कोएफिशिएंट निकालोगे, जिसका मोल अपॉन कोएफिशिएंट छोटा होगा वो एलआर होगा, और बस सबको उसी से कंपेयर करोगे, जो कुछ पूछा जाएगा एलआर से कंपेयर करके निकाला जाएगा। चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 2022 का, प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉलो द फॉलोइंग इक्वेशन, Fe3O4 plus 4CO gives 3Fe plus 4CO2. रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो आप। वो कह रहा है 4.64 ग्राम किलोग्राम ऑफ Fe3O4, 2.520 ग्राम किलोग्राम ऑफ CO आर अलाउड टू रिएक्ट।
ठीक है, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस, कितना आयरन प्रोड्यूस हुआ ये पूछ रहा है। अब बताओ क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू दी है, इसकी भी वैल्यू दी है, इसकी भी वैल्यू दी है, तो एल आर निकालो। पहले निकाला मोल, मोल बनाओ भाई, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो 56 × 3 ठीक है, प्लस 16 × 64 232, तो ये आ गया 232, ये आ गया इसके मोल, इसके मोल बनाओ। कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 26 और 28। अब ये आए मोल, मोल में कॉफिशियंट से डिवाइड करो, इसका कॉफिशियंट 1, इसका कॉफिशियंट 4। अब वैल्यू निकालते हैं, तो ये तो साफ समझ में आ रही है, दो बार जाएगी, तो ये आया 2 × 10⁻²। ये कितना आया, ये कितने बार जाएगा पता नहीं है, इसलिए डिवाइड कर लेते हैं, 2.52 / 28, ये आ रहा है 9 × 10⁻², डिवाइडेड बाई 4। अब बताओ छोटा कौन है, ये 2 लिखा है और ये 9 / 4 है, 9 / 4 का मतलब 2 point something, तो छोटा ये है और ये छोटा, ये एल आर हो गया बस। अब आयरन की वैल्यू निकालनी है, एल आर से कंपेयर करके निकाल दो, ऑलवेज कंपेयर करके ही तो निकालते हैं, तो इसका मोल अपॉन कॉफिशियंट ये दिया है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, आयरन का मोल अपॉन कॉफिशियंट निकाल लो, मोल ऑफ आयरन अपॉन कॉफिशियंट कितना है 3, तो मोल ऑफ आयरन आ गया 3 × 2 × 10⁻²। अब अमाउंट आ गया, अमाउंट आई थिंक पूछ रहा है, चेक करो एक बार, चेक करना बच्चों। अच्छा देखो ये किलोग्राम में है, तो एक गलती है, 10³ चलेगा है ना, क्योंकि ये किलोग्राम में है, तो ग्राम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये किलोग्राम में है, ठीक है बच्चों, ये देखो तो 10³ चल रहा है। अब इसका अमाउंट बनाओ, तो 56 × 3 × 2 × −2 × 3 ग्राम। अब आंसर किलोग्राम में है कि ग्राम में देख लो, पूछ किस में रहा है, ग्राम में, तो यही आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो देखो कर रहा हूं 56 × 3 × 2 ठीक है 336 और एक जीरो आ जाएगा, तो 336 का मतलब 3360, ये आंसर आ गया है। वही काम करना है, रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस होनी चाहिए, मोल अपॉन कॉफिशियंट बनाया, जिसका मोल अपॉन कॉफिशियंट छोटा है वो एल आर है, उसी से कंपेयर करके प्रोडक्ट निकाल दिया। ये देखो अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया, कंसीडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग एजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, लिमिटिंग एजेंट कौन है, तो यार वही कर लो, मोल बनाओ डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट, मोल बनाओ डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट। अब सॉल्व करो, तो देखो 20 / 28, तो ये वैल्यू आ गई 0.714। अब यहां कर लो 5 / 6, तो 0. है ना, कितने बार जाएगा 5 / 6, 0.833। अब कौन सी छोटी है, ये छोटी है, तो नाइट्रोजन एल आर है, तो ये आंसर और ये आंसर तो गलत हो गए, या तो ये सही है या ये सही। अब वो पूछ रहा है कितना अमोनिया फॉर्म होगा, तो एल आर से कंपेयर कर दो, एल आर पहले ही निकाल रखा है आपने, मोल अपॉन कॉफिशियंट बराबर मोल अपॉन कॉफिशियंट, मोल ऑफ अमोनिया अपॉन कॉफिशियंट 2, तो भाई मोल ऑफ अमोनिया कितना आया,
देखो कितना आएगा, इसमें दो का मल्टीप्लाई, उसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 8, 2, 14 है ना, 3 अंक ये आ गया। तो नाइट्रोजन होगा और 1.42 आएगा, हो गया। हर क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। अब ये देखो, इन द गिवन रिएक्शन एक्स प्लस वाई प्लस 3z रिवर्सेबल एक्स वाई जेड 3 इफ वन मोल ईच एक्स एंड वाई विद 0.05 मोल ऑफ जेड गिवन प्रोडक्ट इतना। अब कितना प्रोडक्ट मिलेगा ये पूछ रहा है, यील्ड पूछ रहा है। तो यार इसमें करना क्या है, यही काम करना है, एलआर चेक करो, मोल अपॉन कॉफिशियंट, मोल कितना है 1, कॉफिशियंट कितना है 1, मोल कितना है 1, कॉफिशियंट कितना है 1, मोल कितना है इतना, कॉफिशियंट कितना है इतना। अब आप समझ गए होगे कि एलआर कौन है, यही एलआर है, इसी से कंपेयर हो गया। तो देखो मोल अपॉन कॉफिशियंट बराबर मोल अपॉन कॉफिशियंट, तो मोल यही आ गए, तो मोल ऑफ एक्स वाई जेड 3 आ गए ये। अब दोस्त यार इनको क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है ना, अमाउंट ही पूछ रहा है ना, द यील्ड इज ग्राम में पूछ रहा है, हाँ। तो अमाउंट बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा जोड़, देखो मोल मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना है 10, ये कितना है 20, 30 और ये कितना है 90, 3 है ना, तो 30 और 90 120 40, तो 5 × 20 मेरे हिसाब से 2 ग्राम आएगा है ना, 0.2 ग्राम, ये लो ये आ गया 0.2 ग्राम, सही है, नहीं नहीं 2 ग्राम आएगा शायद, ये 40 है ना, हाँ 2 ग्राम आएगा, 2 अंक बांट, 2 वैल्यू आ गई, बस बात खत्म हो गया। बस ऐसे ही करना है यार दोस्त, कोई अलग चीज थोड़ी करनी है, ये भी कर लो, 2022 में आया, करिए जल्दी से, मैं पानी पीता हूं, बताओ भाई। देखो 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है, यही एलआर है, वो खुद रह रहा है कि हाइड्रोजन एक्सेस में है। इट फाउंड टू बी 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एज ए प्रोडक्ट, द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस इज फाउंड टू बी, इसका मतलब वो कह रहा है नाइट्रोजन कितनी बच गई, इसका मतलब समझ रहे हो, नाइट्रोजन भी एक्सेस में है और हाइड्रोजन भी एक्सेस में है। देखो ये 20 लीटर है और ये 56 लीटर है, अब पता नहीं 56 लीटर में कितनी खर्च हुई है, तो कोई बात नहीं, मोल अपॉन कॉफिशियंट बराबर कर दो, ये तो बना हुआ प्रोडक्ट है ना, मोल अपॉन कॉफिशियंट, अब इसके मोल हमें नहीं पता है, क्यों हमें नहीं पता है कि कितना नाइट्रोजन खर्च हुआ है अपॉन कॉफिशियंट, तो ये मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गया जो खर्च हुआ है, अब इसको वॉल्यूम बना लो, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो खर्च हुआ है मोल में 22.4 का मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम बन गया, तो 10 लीटर खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है 10 लीटर खर्च हुआ है, तो 56 में से 10 लीटर खर्च हुआ है, बचा कितना 46 लीटर बस, ये देखो आ गया, ठीक है। अब इसको देखो यार,
द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम प्रोड्यूस वेन 2.8 किलोग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन क्वांटिटेटिवली रिएक्ट विद 1 किलोग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब यही बात है, लिमिटिंग एजेंट है क्योंकि दोनों दिए हुए, कर लोगे? ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूं, ठीक है? करके आइए, अपना चेक करिए कैसे होगा। एलआर चेक करना है, 2020 में आया है, 2000 किस में आया, 20 में। अब जरा देखो यार, 2020 का एक और क्वेश्चन, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 mH2O2 सोल्यूशन कैलकुलेटेड एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। देखो यार, ये क्वेश्चन तो बहुत रद्दी था, मगर इसमें थोड़ा सा घुमा के ये टफ कर दिया है। देखो, आप सब लोगों ने बुकों में या पढ़ते समय ये फार्मूला भी किया होगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी डिवाइडेड बाय 11.2, मगर ये फार्मूला होता है एट एसटीपी, मतलब टेम्परेचर जब 298 हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तब ये फार्मूला वैलिड है। यहां पर इन्होंने देखो क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया है, टेम्परेचर चेंज है, तो ये इस फार्मूले से क्वेश्चन नहीं होगा। तो कोई बच्चा इस फार्मूले से मत लगा देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा 2 मिनट में। अब इसको बेसिक डिफिनीशन से करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डिफिनीशन क्या होती है, ये होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज बाय 1 लीटर ऑफ लिक्विड H2O2। 1 लीटर H2O2 कितना वॉल्यूम रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन का, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज बाय 1 लीटर ऑफ लिक्विड H2O2, तो कितना रिलीज कर रहा है। देखो, जब ये ब्रेक होता है तो ऐसे ब्रेक होता है, ये देखो। अब गौर सुनना, मोलारिटी दी है, तो मोलारिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर H2O2 में, 1 लीटर H2O2 में 8.9 मोल H2O2 है, क्यों, उसकी मोलारिटी दी है ना, तो मोलारिटी दी होने का मतलब क्या है, 1 लीटर में कितने मोल है। तो यार इसका 1 लीटर में इतने मोल है, जादू हो गया ना, रुक जाओ ट्राई करते हैं, है ना, 1 लीटर में कितने मोल है, एक बार और जादू होगा। तो जब इसके इतने मोल है तो रिएक्शन करने पर उसके कितने मोल आएंगे, जब इसके 2 मोल खर्च होते हैं तो इसका 1 मोल फॉर्म होता है, तो जब इसके इतने मोल खर्च होंगे तो इसका कितना फॉर्म होगा, इतने मोल, आधे मोल फॉर्म होंगे ना। ये देखो, मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया, और मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया तो बात खत्म हो गई। क्यों बात खत्म हो गई, क्योंकि जरा चेक करो, आपको सब कुछ दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, ठीक है, मोल दिए हैं, वॉल्यूम निकालना है, तो हमने लगाया पीवी इक्वल टू एनआरटी, वी इक्वल टू एनआरटी बाई पी, मोल ऑफ गैस आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, अप्रॉक्स 100 आ जाएगा, अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, 100, तो आंसर क्या हुआ, 100 लीटर। बात समझ गए, तो इसको मत लगाइएगा, बाकी सब ठीक है। अब देखता हूं, अब बच्चों सारा काम खत्म हो गया, ये देखो, तो जरा देखो यार, हम लोगों ने 22 21 और 20 के कम से कम 60-62 क्वेश्चन किए हैं, लास्ट स्लाइड जो है 62 नंबर की है जिस पर क्वेश्चन है, तो 60-62 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए है, है ना। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है अच्छे से सीएचडी पूरे रिवाइज कर लो, बार बार
जो मैं सीएसडी की फाइल देता जाऊंगा उसको रिवाइज करते जाना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं, ठीक। और साथ साथ में ये पीवाईक्यू अच्छे से कर लो मेरे साथ। इसके बाद आप 10-15 क्वेश्चन एज ए मॉक टेस्ट पेपर लगा लो, एज ए मॉक टेस्ट पेपर 15 क्वेश्चन का कोई एक सेट लगा लो या 20 क्वेश्चन का कोई एक सेट लगा लो, किसी भी बुकलेट से या किसी भी बुक से आप सेलेक्ट कर लो 20 क्वेश्चन और उनको रैंडम लगा के देखो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। हर चैप्टर में हम यही काम कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट माई फ्यूचर इंजीनियर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।